हम लोगों के पास में घर पे ऑडियो गीत की छो हम कॉल करके भजन को आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ये वैष्णव ठाकुर का कीर्तन है। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी भैया वहाँ पे ओहे एक रस्सी बांध दो, एक रस्सी बांध दो, फिर नहीं तो एक व्यक्ति खड़े हो जाओ वहीं पर, एक भक्त खड़े हो जाओ, बात भी किसको हरे कृष्ण वहीं पर खड़े रहो, तुम खड़े होकर के ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोध है हमारे, 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 तुम्हारा चरण भक्त विनोद ठाकुर का भजन है। कहते श्री वैष्णव का चरण में प्रार्थना करते हैं, बोले हे वैष्णव ठाकुर हमारा जो इंद्रियां है बड़ा प्रबल है, जिसको कंट्रोल करना बड़ा ही कठिन है, ऐसे दिखाई पड़ा है शंकर को भी, शंकर भी स्वयं महीन को ऊपर आसक्त हो गए, नारद जी को भी दिखाई पड़ता है वो भी भगवान की लक्ष्मी के ऊपर आसक्त हो गई, और श्री ब्रह्मा भी उन्होंने भी अपना बेटी को ऊपर उस स्वयं ब्रह्मा जी भी आसक्त हो गए। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं वैष्णव ठाकुर, वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को जो आराधना करते हैं, जो भक्त हैं बोले भक्त लोग वैष्णव लोग आप हमारे ऊपर आशीर्वाद करो, बोले छाया बेगा दमी, छाया बेगा मतलब जो बाच बेगम मनस क्रोध बेगम जिहा बेगम उदर उपस्थ बेगम, ये छह बेग श्री रूप गोस्वामी ने बताए जिनको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे होएगी, बल्कि ये कंट्रोल तभी होएगी जब हमारे ऊपर में संतों का वैष्णव का आशीर्वाद हो, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं छाया बेगा दमी छाया दोषो सदी, हमारे अंदर में छह दोष भी है, बोले छह दोष कौन है, बोले अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौलंच सड़भिर भक्तिर विनशति, जो ये जो छह चीज है ये भक्ति को विनाश कर सकता है, जो छह चीज है। कहते हैं वैष्णव ठाकुर आप कृपा करो जैसे ये छह दोष को हम दूर कर सकते हैं, और जो भक्ति करने के लिए विशेष करके हमारे अंदर में छह गुण का जरूरत है, कितना गुण की जरूरत है, क्या क्या बोलो, बोले उत्साह, उत्साह मतलब होता है भज, हमारे तो संसार में बड़ी उत्साह आ जाती है, लेकिन जो भजन की बात बोलते हो ना कहते भैया नींद आ रही है तकिया ले, लेकिन जब दुनियादारी की बात हो कान एकदम खड़ी हो जाती है, इसलिए कहते भक्ति जगत में हमारी उत्साह होनी चाहिए,
बोले निश्चयात। निश्चयात मतलब क्या है? जरूर हम इस जीवन में भगवान को हम जरूर प्राप्त करेंगे। निश्चयात उत्साहात, निश्चयात धैर्यात। धैर्यात मतलब होता है धारण करना। ऐसे नहीं गुरुदेव मंत्र दिए, बोले हम एक साल हो गया, बोले गुरुदेव कुछ हो ही नहीं रहा है, और कोई मंत्र है क्या, और कोई नया मंत्र हो तो हमें दे दो। इसलिए ऐसे नहीं, गुरुदेव कहते थे भैया कोई चिंता मत करो, गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया है उसको दृढ़ विश्वास पूर्वक क्या करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, आपको बोलने का, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। इसलिए भक्ति जगत में हमें धीरज धारण करनी चाहिए, इतना छटपट नहीं करनी चाहिए। इसलिए किसी ने गुरुदेव को बोले, बोले गुरुदेव 25 साल हो गया मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये माला जब तक करते माला तो काली पड़ गई लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। जब उन्होंने ये बात बताए तब गुरुदेव ने कहा देखो, तब गुरुदेव ने एक कथा सुनाई। गुरुदेव ने बताया एक समय कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, हठात कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरे को प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी की संधान करोगे। अभी अर्जुन पानी ढूंढते ढूंढते देखा वो पास में यमुना नदी बह रही थी, वहां पर एक बड़ी सुंदर एक प्यारी लड़की बैठ करके तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने देखा इतनी सुंदर लड़की वो अकेली यहाँ पर तपस्या कर रही है, शरीर से बड़ा तेज निकल रहा था। अर्जुन ने पूछा आपका नाम क्या है, बोले मेरा नाम कालिंदी है। ये कालिंदी है जो यमुना की स्वरूप। बोले यहाँ क्या कर रहे हो, बोले भगवान कृष्ण को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले कितना दिन हो गया, बोले कितने ब्रह्मा चले गए, कितने ब्रह्मा चले, बोले अरब खरब साल से हमें कृष्ण को पाने के लिए यहाँ बैठी हूँ पाने के लिए। तो गुरुदेव कहते थे कालिंदी जैसे वो कृष्ण को पाने के लिए अरब खरब साल से तपस्या कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो 10-20 साल से गुरुदेव कुछ हो ही नहीं रहा, गुरुदेव कुछ हो ही नहीं रहा है। तो गुरुदेव कहते थे तुमको पता है कितने साल से हम भगवान से विमुख हो करके ये माया के संसार में भटक रहे अनंत करोड़ों युग से, और तू कहते 10-15 साल से, और तुम इसको हटा दोगे, भैया किरायादार बड़े दिन से बैठे हुए ये काम क्रोध लो, उनके साथ में लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए लेकिन यहाँ पर कहते हैं कैसे ये दूर होगा, मतलब दूर होने का एक उपाय है अगर हमारे ऊपर में कोई संतों की कृपा हो जाए, किसी संतों की वैष्णव की अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो ये आसानी से ही हम इसको दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना करते हैं बोले छाया बेगा दामी छाया गो सरस्वती छाया गो ना देवा दासे छाया बेगा दामी, सब पीछे पीछे बोलो, सब पीछे पीछे बोलो छाया गो ना देवा छाया सता सता दे हमारे छाया सारा संगा दे हमारे तुम्हारा चारण सारी कृष्ण देते पारा
पाछे आमीन आयता बताशे पार कहते हैं ये कृष्ण हमें कौन दे सकता है। आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्यों एकत्रित हुए हैं, आज है क्या चीज, हम सब के सब बड़े बड़े दूर से सब भक्त लोग आए हुए, बोले कारण है क्या, बोले कारण इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले कृष्ण से तुमार कृष्ण दिखते बार, बोले कृष्ण किसके हैं, बोले कृष्ण संतों का है, गुरु जी के संत है, गुरु जी के ही ये कृष्ण है, अगर वो चाहे तो वो कृष्ण हमें दे सकते हैं। देखो बोले एक समय कुछ साधु एक कट्ठे बैठे हुए थे, एक साधु ने बताया बताओ तो पृथ्वी में सबसे बड़ा क्या है, एक साधु खड़े हो गए, बोले अगर बोलोगे पृथ्वी में सबसे बड़ा बताओ तो पृथ्वी में बड़ा कौन है, बोले पानी जगत में सबसे बड़े हैं, बोले कैसे, बोले संपूर्ण पृथ्वी में तीन भाग तो जल है और एक भाग स्थल है, तो जगत में सबसे बड़े कौन हो गए, बताओ पृथ्वी में कौन बड़ा हुए, पानी। जब किसी ने कहा जगत में पानी सबसे बड़े, एक संत बोले तुमने कैसे बता दिया पानी जगत में बड़े, बड़े जगत में तो सबसे बड़े पानी, लेकिन ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में किसने धारण किया है, बोले श्री अनंत देव ने, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को सर के ऊपर में के सरीसों के भांति श्री अनंत देव ने सर के ऊपर धारण कर रखी, इसलिए जगत में बड़े कौन हो गए, बोलो कौन हो गए, कहते श्री अनंत देव, क्यों इतने बड़े ब्रह्मांड को जो सर को ऊपर धारण करके रखे, एक संत ने बोल दिया तो जगत में सबसे बड़े क्या है, अनंत देव। फिर और एक संत खड़े हो गए, बोले अगर बोलोगे सबसे बड़े जगत में अनंत देव है, हम तो बोलूंगा उनसे बड़े श्री भोले बाबा, बोले कैसे, बोले शंकर जी गले में कौन है, अनंत देव है, शंकर जी गले में जो सर्प कौन है, वो अनंत देव, अपना गुरु जी को उन्होंने अपना गले में धारण करके रखे, बोले जगत में मैं तो बोलूंगा सबसे बड़े श्री अनंत श्री भोले बाबा है। एक संत और खड़े हो गए, बोले अगर तू बोलोगे भोले बाबा सबसे बड़े, मैं तो बोलूंगा उनसे बड़े रावण है, बोले कैसे, बोले अब सुनो होंगे रावण जब ये दिग्विजय करने के लिए निकला था, उन्होंने कैलाश समेत शंकर जी को एक हाथ से उन्होंने उठा दिया था, हैं? उठा दिया था शंकर समेत कैलाश को, तो बड़े कौन हो गए, बोलो कौन बड़े हुए, रावण। फिर एक संत खड़े हो गए, बोले अगर बोलोगे रावण जगत में सबसे बड़े, मैं बोलूंगा तो बाली सबसे बड़ा है, बोले क्यों, आपको पता होगा जिस समय बाली त्रिभुवन को विजय करने के लिए निकला था, देखा उस समय रावण पानी में तर्पण कर रहा था, वो जाकर के ना पानी को घोला बना रहा था, हाँ कीचड़ कीचड़ बना रहा था, बाली ने देखा ये कौन डिस्टर्ब कर रहे, कीचड़ कीचड़ कौन बना रहा है, देखा रावण उसको इसे पकड़े और बगल में उसको 6 महीना दबा करके रखा, कौन रावण बाली 6 महीना दबा करके रखा, लेकिन वो भूल गया तर्पण करते रहा, रावण जब चिट्ठी जैसे काटना शुरू करते ना, बोले चिट्ठी कहाँ से काट रहे, रावण ऐसे हाथ उठाए ना वहां पर गिरा, कौन रावण गिरा वहां से भगे, तो फिर लौट करके दिखा दी, इसलिए जगत में बड़े कौन हो गए, बाली। एक संत फिर खड़े हो गए, बोले अगर बोलोगे जगत में बाली बड़े सबसे, मैं बोलूंगा तो भगवान राम जगत में सबसे बड़े, बोले कैसे, बोले इतने बड़े पराक्रमी बाली को जो एक बाण से जो उनको मार दे, इतना बड़ा बल पहलवान को हो सकता है, अब रामायण देखना एक बाण से प्रभु राम ने बाली को मार दिया, जगत में सबसे बड़े कौन है, जोर से बोला बोले सियावर रामचंद्र की, बोले जगत में सबसे बड़े कौन हो गए, हो गए राम, सब लोग मान लिया जगत में सबसे बड़े राम है, लेकिन वहां पर कोई के रसी के संत था वो खड़े हो गया, बोले भैया मैं बताऊंगा जगत में राम से भी एक बहुत बड़े हैं, बोले भगवान से कौन बड़ा हो सकता है, ये तो भगवान से कोई बड़े हो सकते हैं, बोले मैं बताऊंगा ना, बोले बताओ क्या, फिर उन्होंने कवि जयदेव का एक भजन गाए, बोले जय जय बाहरे, देखो ये जो भजन है ये गुरुदेव का अत्यंत प्रिय भजन है, गुरुदेव कहीं भी जैसे राधाष्टमी कहीं जन्माष्टमी होता था, गुरुदेव सबसे पहले ये भजन को गवाया करते थे, क्योंकि ये कवि जयदेव का ये गीत गोविंद का मंगलाचरण श्लोक है, बोले मंगलाचरण मतलब क्या,
बोले कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर ये भजन को पहले बोल करके अगर कोई भी काम करोगे वो काम बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। इसलिए उसका नाम कहते मंगल गीत है ये, कभी जयदेव गोस्वामी का देखो इसमें वो क्या कहते हैं। इसलिए आज चुके गुरुदेव का जन्म उत्सव उपलक्ष्य में मना रहे हैं, ये भजन सुनकर गुरु जी बहुत प्रिय होंगे, आप भी मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा लो। बोले जय जय दे बाहरे, जय जय दे भजन कहीं हो ना ठाकुर रह नहीं सकते, ठाकुर को वहां जाना ही पड़ेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में कोई एक देवदासी ये भजन को गा रही थी और बैगन तोड़ रही थी, भजन कर रही थी, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ करके भाग गए और उसको पीछे 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 घूमते रहे, भजन सुनते रहे। अभी जब पुजारी ने ठाकुर को नया कपड़ा पहनाया था पीताम्बर, लेकिन बैगन पेड़ तोड़ रही थी, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे थे। अभी बैगन का कांटा से ठाकुर का सारे कपड़े फट गया। जब भजन खत्म हो गया चुपचाप ठाकुर सो गए। सवेरे जब पुजारी खोला ना, देखा सारे नए कपड़े फटे हुए और ठाकुर जी के शरीर में सिर्फ कांटा का दाग पड़ा हुआ। तब जगन्नाथपुरी राजा को बुलाए, राजा बड़े भगत है, फिर उन्होंने ठाकुर जी के चरण में लेटे गए। ठाकुर जी स्वप्न दिया, कोई चिंता मत करो, मेरी एक कोई देवदासी बैगन तोड़ते समय ये भजन गा रही थी, इसमें चूंकि राधा जी का नाम है, कहीं अगर राधा जी का महिमा हो ना मैं रह नहीं सकता, मेरे को तो वहां भाग भाग कर जाना पड़ता है। इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। तब से जगन्नाथपुरी में राजा ने पूरा उड़ीसा में प्रचार किया, ये भजन को जहां तहां मत गाया करो, ये भजन को वहीं गाया जाए जहां पर श्री जगन्नाथ जी हो, राधा कृष्ण हो, वहीं गाए, क्योंकि नहीं तो ठाकुर को कष्ट होता है, ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए ये भजन की बड़ी महिमा है। इसलिए आप लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब पीछे पीछे गाओ, भले जय जय दे बाहरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय दे बाहरे, जय जगन्नाथ हरे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंदकुमार।
गोस्वामी कहते भगवान से भी बढ़कर कोई है। बोले कौन है? बोले ये भक्त है। बोले क्यों? यहाँ पर उदाहरण देते हैं, मुनि जन मानस हंस। उदाहरण दिया, जो संतों का जो हृदय है, मुनियों का जो हृदय है, वो कैसे एक अथाह सरोवर जैसे, हाँ जैसे मान सरोवर, और उसमें ठाकुर जी एक हंस रूप में जल में विहार कर रहे, जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। आप बताओ कितने बड़े मानस सरोवर कितना बड़ा होता है, और हंस कितना बड़ा होता है? हंस छोटा सा होता है। मानो इतने जो बड़े भगवान हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, अगर उनको किसी ने अपना हृदय रूपी तेजोरियों में अगर बंद किया तो किसने बंद किया? संतों ने। इतने बड़े संतों की महिमा कारण क्या है? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कृष्ण से तुमार कृष्ण तिथि बार। आज हम गुरु जी की तिथि में क्यों आए? कारण क्या? बोले कारण है जो कृष्ण है, वो कृष्ण किसके है? कृष्ण गुरुदेव का कृष्ण है, गुरुदेव का कृष्ण है। गुरु जी के हृदय में ही ये भगवान का प्रादुर्भाव, तो गुरु जी के हृदय में है, उनका ही भगवान की धन में वो धनी है। अगर वो चाहे ना, फिर तो कृष्ण को हमें वही दे सकते, और जगत में हमें कोई नहीं दे सकते हैं। इसलिए भागवत में श्री भरत महाराज कहते हैं, रघुगण न तपस्या, बोले तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, न जाति, कोई उच्चे कुल में जन्म ले लिया भगवत प्राप्ति नहीं होगा, न इज्जया, अगर दिन भर पूजा पाठ कर तो उसमें भी भगवान नहीं मिलेंगे, न गृह, किसने गृह छोड़ दिया, सन्यासी ले लिया क्या मिल जाएगी? बोले नहीं। बोले नहीं, वह छंदसा, बोले हमने सारे वेद को पढ़ लिया कि भगवान मिल जाएंगे? बोले नहीं मिलेंगे। बोले दिन रात सूर्य देवता को अग्नि को पूजा करते क्या भगवान मिलेंगे? बोले नहीं। बोले आप बोला नहीं नहीं नहीं, फिर है कैसे, फिर मिलेगा कैसे? बोले मिलेगा, बिना महत पदो रहियो विषय कम, जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाते हैं, जब तक हम श्री गुरु जी की संतों के शरण में नहीं जाते ही, कहते भले ही जीवन में जो कुछ कर लो भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए भगवान कैसे मिलेंगे? संतों का आशीर्वाद से, संतों की कृपा से ही ठाकुर जी मिल सकते हैं। बोले जय जय देव हरे, हरि बोल मुनि महाराज, जल्दी आ जाओ,
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। उड़ीसा के हम भी उड़ीसा के एक देश के हम दोनों, इसलिए गुरु जी इनका भजन को बहुत अच्छा बहुत अच्छे तरह से सुनते थे और इन्होंने पूरा अच्छे तरह से राग रागिणी को अच्छे तरह से सीखे और ये सर्वगुण संपन्न है। बहुत सुंदर ब्रज का भजन और बंगला भजन बहुत सुंदर गाते मनिवार जी और गुरु जी का एक प्रिय भजन है ब्रज जन मन सुख कारी राधे श्याम श्यामा श्याम। महाराज जी अभी भजन सुनाएंगे। माइक वाले भैया कहाँ भी इधर आ गए, इनको माइक दे दो। दो 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 कोई कोई भी माइक दो, इनकी सेटिंग कर दो। माइक का माइक ले रहे हैं अपना। उसको बोलो ये रास्ता बोलो एक बार ठीक कर दो भैया बड़ा सा। हां हां लगा के कोई भूल जाए सारा हो जाएगा। अरे जी जी प्रभु हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा ऊपर महाराज आ रहे हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्ण। आप लोग सब खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ महाराज जी आ रहे हैं। चेक 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 कौन भाई एसएम 58 है बड़ा ही इसको ज्यादा लगे। हां इसको तेज करो और बढ़ाइए बढ़ाइए गेन बढ़ाइए।
आपके पास आपके पास है नहीं। उसको महाराज जी नीचे प्यार करके बैठे आसन दे चेयर दे देना सर आयो और थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा कंफर्ट उसको इसको ठीक करो और मृदंग ठीक करो आयो आयो प्रभु जी हरे कृष्ण हरे बोल हरे बोल हरे बोल चौकी पर हाल हरे बोल हरे बोल तो मत पड़ो और थोड़ा चौकी महाराज हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे कृष्ण हरे बोल गिर जाएगा हरे बोल हरे कृष्ण माइक ठीक करो माइक वाले तेज करो तो तेज करो तेज करो थोड़ा रिवर्स हरे बोल हाँ हरे कृष्ण थोड़ा सा और दिन हरे हर मिनट का आवाज बड़ा दो हर मिनट का आवाज बंदे हम श्री गुरु श्री योत पद कमलम देखो श्री गुरु वैष्णवश्च श्री रूपं सागर जाता सहगण रघुनाथ तम तम सजीवम साधैकं सावधूतम् परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। गुरु जी के एक प्रिय भजन है की जय। ब्रज जन मानस पुकारे राधे श्याम श्याम श्याम। गुरु जी ने इस भजन को लिखा है और अत्यंत प्रिय भजन है। भक्त लोग गुरु जी को इस भजन को गा करके सुना रहे थे। आप सभी लोग को अनुरोध है साथ में हमारे पीछे पीछे इस भजन को गाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे गज गज मनस पसारे राधे श्याम 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 राधे गज गज मनस पसारे I'm gonna
Thank you.
Yeah.
सब लोग बोले हरे हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे, जय गौर प्रेमानंदे, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री गुरुदेव सेंटेनियल फेस्टिवल की जय, जय समागत भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, ठाकुर आरती, ये गुरुदेव आरती करने के बाद सुन पा रहे हो आरती? पहले ठाकुर देव ना, ठाकुर को लास्ट में कर दे, जय गुरु जी का आरती करो, जय गुरु जी का आरती करो। कौन कौन कर रहे हो आरती? आप कर रहे हो? ठीक है, हरे कृष्ण। सर दिए लगाए फिर कहाँ कहाँ लगा सर? हाँ, हरे कृष्णा, यहाँ पर सौ दिया लगाए, कहते हर महाराज एक एक आरती लेकर के खाते थे। महाराज शांति महाराज नरसिंह महाराज अभ्यास में लगा थोड़ी सी। हरे कृष्णा, हाँ आप लोग सभी खड़े हो जाए, गुरु जी की आरती होगी। Thank you.
हरी बोल हरी बोल हरी बोल
प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की तृतीय शुभ शतवार्षिकी महामहोत्सव की महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी रमन बिहारी जू की परम आराधितम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज की जय। जय परम आराधितम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम आराधितम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री धन महाराज की जय। जय परम आराधितम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नरसिंह महाराज की जय। जय परम आराधितम श्रीमद भक्ति वेदांत श्री शांत महाराज की जय। जय समस्त दंडी पाद गण की जय। जय हो। जय नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर शच श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। सपार्श जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत संस्कृत ठाकुर प्रभुपाद की जय। महाभागवत श्री गौर महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। ऋषिक चूड़ामणि श्री विष्णु चक्र ठाकुर पाद की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल हरदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। स्वरूप दामोदर रामानंदादि गौर पार्षद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री नवदीप धाम वृंदावन धाम पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश नवरात्र ब्रजमंडल धाम की जय। द्वादश उपवन की जय। गंगा देवी यमुना देवी तुलसी भक्ति देवी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की भक्त प्रवर्तनाथ महाराज की जय। सर्वाभिष्पदाता हरिदास वर्जश गिरिराज महाराज की जय। चारो धाम चारो संप्रदाय चारो आचार्य की जय। ठाकर मठ राज चैतन्य मठ की जय। देवानंद गौड़िया मठ की जय। श्री केशव जी गौड़िया मठ की जय। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ की जय। श्री राधा रमन बिहारी गौड़िया मठ की जय। अनन्य मठ शाखा समूह की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शच श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की तृतीय शुभ शतवार्षिकी आविर्भाव महामहोत्सव की महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। सभी लोग बैठ जाएंगे। हरे कृष्णा। आप सभी लोग कृपया बैठ जाएं। अभी हम लोगों की सभा शुरू होगी। आप लोग सब कृपया बैठ जाएं। हरे कृष्णा। कृपया बैठ जाएं। हरे कृष्णा। जैसे आप लोगों को विदित है हमारे दोनों गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज नमोम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज दोनों गुरुदेवों की शतवार्षिकी तिथि पूजा मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे पब्लिकेशन कमिटी गुरुदी के एक विशेषण का प्रकाश किया है। इसको हम अभी गुरुदेव के हाथों में समर्पण कर रहे हैं। ये सब के लिए बुक टेबल में मिलेगा। ये है श्री गुरु वंदना। इस नाम से विशेषण का प्रकाश किया गया है। अब हम गुरुदेव के हाथों में कड़क कमल में समर्पण कर रहे हैं। पीछे किसी ने आ जाएंगे कोई बात नहीं।
अरे उठाना चाहिए इसकी आवाज कम हो सकती है। हरे कृष्ण ये स्टेज थोड़ी सी उधर भी कर काम चल रहा है तो थोड़ी सी आप इधर आगे बढ़ सकते हैं काम के पास में होगा बस 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 हो गया सब तो कर करेंगे हाँ नहीं कॉल करनी है पीछे सुनाई नहीं पड़ी आप इसके बीच ये दोस्त हाँ इनको पीछे बहुत तेज आवाज आ रही है तो ठीक बैठे हैं पीछे कुर्सी कहाँ लगा मुझे अरे आप इधर ले जाओ कुर्सी नहीं नहीं वाले हरे कृष्णा। जैसे आप लोगों को विदित है ये नोएडा सेक्टर 162 में श्री गौर नारायण गौड़िया मठ में काल एवं परसों दो दिन का प्रोग्राम है जिसमें काल श्री मंदिर प्रतिष्ठा और परसों श्री विग्रह प्रतिष्ठा सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इसके बाद और हरी कथा 5 से 8 दोनों दिन शाम को 5 से 8 और मथुरा में जहाँ गुरु जी के प्राण स्वरूप कह सकते हैं वही सबसे अधिक समय गुरुदेव ने बिताया 17 एवं 18 फरवरी को ये शतवार्षिकी प्रोग्राम मथुरा केशव जी गौड़ी मठ में है। 17 तारीख को शाम को 3 बजे से नगर संकीर्तन और 18 तारीख को 3 बजे से 6 बजे तक हरी कथा। इसके बाद 19 तारीख को फरीदाबाद में भूमि पूजन एवं वैष्णव होम और फिर 21 तारीख को मोहन नगर में शतवार्षिकी महोत्सव तो हम लोग सभा शुरू करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आप लोग सब कृपया बैठ जाएं। इसको चालू कर दो। हरे कृष्ण नरसिंह हरे कृष्ण। तो श्रीधर महाराज अनुरोध कर रहे हैं सबसे पहले श्री नरसिंह महाराज गुरुवर्ग के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। ओम ज्ञातिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाक्षस्य कृपा सिन्धुरेव च गानं भाविनिभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत कृष्ण भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में
अनंतपुरी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव महाराज, पूज्यपाद बन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, मुनि महाराज, चांद महाराज चरणों में सच्चे प्रणाम। सभी वैष्णव वैष्णवी, सभी उपस्थित भक्तवृंद, सभी के चरणों में यथार्थ प्रणाम। हम लोगों का आज परम सौभाग्य है, हम लोग के गुरु, दोनों गुरुवर्गों की जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत ये यहाँ पर नोएडा में उनके गुणगान करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले उन दोनों गुरुवर्गों के सब प्रेमी शुभचिंतक सभी को मैं नमन करता हूँ। तो आज लवर्स डे भी है, आपको याद दिला, वो कहाँ से कहाँ लेके जाता है उसको भी ध्यान रखना। वो उसके पहले वाला नहीं बोला, लवर्स डे है, प्रेमी डे है, ठीक है, अच्छी बात। तो प्रेम किसको कहते हैं, हमारे शास्त्र में क्या कहा है, उसके पहले मैं व्याख्या करूंगा, उसके बाद में ले जाता हूँ कहाँ पर। हमारे गुरुजी ने कौन सा प्रेम देने के लिए हमको, और गुरुजी ने कौन सा प्रेम दिया। तो प्रेम जिसको कहते हैं, इसकी व्याख्या, सर्वथा ध्वंस रहितम यद्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यौनी युनो सप्रेमा परिकीर्तितः। प्रेम का ध्वंस होने का कारण उपस्थित होने पर भी जो प्रेम ध्वंस नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ऐसे भाव बंधन को प्रेम कहते हैं। अब बताओ, ये जगत का प्रेम 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 कहते हैं, ऐसा कौन जगत में है कि जिसका प्रेम ध्वंस होने का कारण उपस्थित होने पर भी प्रेम ध्वंस नहीं होता, प्रेम ध्वंस का कारण होता तो उल्टा हो जाता। और ईश्वरीय जगत में वही प्रेम, प्रेम का अगर कोई उल्टा काम करे, प्रेम ध्वंस होने का काम करे, तो प्रेम बढ़ता है, उसको प्रेम कहते हैं। इस जगत में प्रेम नहीं है, इस जगत में काम, इस जगत में टूटता है प्रेम का ध्वंस होने का कारण, तो वो प्रेम नहीं है क्योंकि काम है। और यही चैतन्य महाप्रभु ने, इसके लिए देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, इस किसके प्रेम के लिए कहा था, राधा भाव में विभावित होकर के इस प्रेम को, इस प्रेम की व्याख्या में जो महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम का लास्ट श्लोक, आठवां श्लोक, असली सेवा पादरताम कनिष्ठ माम मद दर्शनात् मर्महता करो तुमाम यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु सैव नापरः। चाहे मुझे आलिंगन करे, चाहे मेरे प्रेम मुझे प्रेम के पैर के तले मुझे रोन दे, चाहे वो दूसरे किसी से प्रेम करे, फिर भी मैं मेरे एकमात्र प्राणनाथ हैं, ये राधा जी की भावना। तो प्रेम के लिए कहा, और उस प्रेम के लिए कहा, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमामृत सिंधु जा राजे ब्रह्मानंद नहीं एक बिंदु। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, वो है कृष्ण प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने गया है, और वो हमारे गुरु जी ने सर्व जगत में वितरण किया। समझे नहीं लोग, कोई बात नहीं, जितने समझे समझे, किंतु महाप्रभु जो देने के लिए आए थे चीज, प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचार। और वो महाप्रभु जो आस्वादन किया, जो प्रचार किया, वही हमारे गुरु, दोनों गुरु जी ने वो जगत में दान करने के लिए आए थे, वो साधारण बात नहीं है। वो तो बहुत बिरले कुछ जानने वाले लोग हैं इस प्रेम को, तो वो प्रेम दान करने के लिए हमारे गुरुदेव इस जगत में आए थे, वो भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। तो उनका क्या अवदान है, सारे संसार में जिन्होंने मथुरा से आरंभ करके सारे संसार में 35 बार परिक्रमा करके जिसको प्रदान किया वो कृष्ण प्रेम, तो आज उनका ही गुणगान करने के लिए हम लोग यहाँ आए। उनके बारे में ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवय, ये भागवत का श्लोक। तो ये भागवत क्या है, एक तो ग्रंथ भागवत है, भक्त भागवत है, हमारे दोनों गुरुदेव भागवतों के भागवत महाभागवत है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भागवतों की सेवा करने से हमारा अभद्र दूर हो जाता है। तो अभद्र क्या है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवा करने के लिए कहा। जिनको भागवत उपलब्ध नहीं तो ग्रंथ भागवत पढ़िए,
ग्रंथ भागवत उपलब्ध जब है ही, जब ग्रंथ भक्त भागवत उपलब्ध है तो भक्त भागवत की सेवा कीजिए, नित्य भागवत की सेवा। तो महापुरुषों को और उसमें हमारे गुरुवर्गों को महाभागवतों की सेवा, नित्यम भागवत सेवा। तो क्या होगा, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु। हमारा अभद्र क्या है, हमारा जो अभद्र है वो हम लोग का अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचकर्मा, पंचत्रिता, त्रिवर्ग, ये सब जो है हमारे अविद्या अस्मिता, ये पहले जड़ हमारी, वो हमारे ये अभद्र है। तो ये अभद्र दूर करने के लिए यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस प्रकार भगवान में भक्ति है उसी प्रकार गुरुदेव में होने से, और वो भी महापुरुषों के चरणों में अगर हो तो जल्दी जल्दी अभद्र दूर हो जाते। जब तक ये हमारे अंदर में बैठे हुए अभद्र, ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जब तक दूर नहीं हो जाएगा तब तक हमारा जो चेतो दर्पण मार्जनम होकर के ये हमारा दूर करेगा, तब हम असली स्वरूप हम हमारा प्रकाशित होगा। हमारा असली प्रकाशित अभी स्वरूप नहीं है, हमको पता ही नहीं हम कौन है। तो ये जब अविद्या अस्मिता दूर होगी तब हमको हम पता चलेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, हम कृष्णदास है ना माया के दास है। अभी तो हम लोग को माया के दास, हम लोग कृष्णदास, हमारा जो स्वरूप है वो उपलब्धि होगी और ये होगा नित्यम भागवत सेवा। तो ये गुरु जी हमको यही चीज देने के लिए आए। देखिए हम लोगों को कृपा करके महाराज जी के साथ में रहने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ, कृपा कर, हम लोग मथुरा में रहते थे। तो वहां पर रहते हुए महाराज जी की जो, महाराज जी तो उस परलोक अपर लोक परलोक के उस नित्य वृंदावन के राधा जी की गोलोक वृंदावन में रमन मंजरी, अगर उनको हम लोग कहते कि युगाचार्य जगत गुरु परिव्रजकाचार्य, ये तो उपाधि है जगत में आकर के। महाराज जी खुद इस बात के लिए कहते हैं, अरे वो उनको भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के लिए, महाराज जी की मुख की बात कि उनको इस जगत में आकर के जगत गुरु परिव्रजकाचार्य वर्य और बहुत सारी उपाधियां ग्रहण की, इस जगत की उपाधियां हैं, और वो उपाधि जो वो मूल उनकी उपाधि है वो नित्य कहाँ थे, उस जगत की नयनमणि मंजरी है, रमन मंजरी है। तो इस जगत में आकर के वो उस स्टेज से नीचे आकर हमारे लिए इतने निम्न कक्षा में आकर के हमारे लिए इतनी शिक्षा दे रहे हैं, वे कितनी उनके लिए उपाधि क्या चीज है, नीचे की उपाधि। इसलिए सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति की परिभाषा में कहा, डेफिनेशन में, कि भक्ति की डेफिनेशन क्या है, ये जगत की उपाधियां ये क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तेन महामंडलेश्वर और ये जितनी उपाधि है तो ये सब उपाधियां इस जगत की हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तेन तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्चते। सब इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। और ये जगत की उपाधियां डीएम जीएम पीएम सीएम जनरल और जितने भी हैं वो तो इस जगत की शरीर की उपाधि है, शरीर के साथ में निकल जाएगी यही रहेगी, और जो उनकी अपनी उपाधि है वो उस जगत की, वो तो नित्य है। चाहे उसको उपाधि दो, चाहे राजा को चाहे नीचे बिठाओ, चाहे राजा को ऊपर बिठाओ, राजा तो राजा है, और नीचे भी चले बिठाने से क्या राजा राजा नहीं होता है, जहाँ राजा है राजा है। इसलिए वो जगत की वो रमन मंजरी इस जगत में आकर के जो इस प्रकार कार्य करके गई, न भूतो न भविष्य, इसलिए उनको युगाचार्य, खाली आचार्य नहीं, एक कल्प का भी नहीं, युग युग का आचार्य होंगे, युगाचार्य उनको बरसानामी ब्रजपीठनी उनको युगाचार्य उपाधि दी। तो ये भगवान जिस प्रकार अपने भक्तों को, जैसे भगवान की जन्मतिथि पवित्र होते हैं, भगवान के भक्तों की भी जैसी जन्मति वैसी पवित्र होती है, जैसे भगवान स्वयं कभी कभी एक कल्प में आते हैं, ऐसे कभी कभी अपने भक्तों को भी भेजते हैं। तो इस प्रकार तव जन तव निज जन कौन महाजने पाठाइय दिले तुम्हें, कौन महाजन आपके आपने भेज करके संसार में कलिह जीवों को उद्धार करने के लिए हमारे जैसे उन्होंने यहाँ पर आकर के इतने सब लोगों को इकट्ठा किया। तो ये उनकी हम लोग उपलब्धि अभी नहीं समझ रहे, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग तो उनको भाई के रूप में देखते हैं, हाँ कि ये क्या चीज है, अब उसको ही देखो। तो इस प्रकार मथुरा में रह करके, मथुरा से उसके शिवजी गौड़े मठ में, वहां से महाराज हरिकथा करते थे सुबह शाम,
हम लोग बैठ करके माधव महाराज बन महाराज हम लोग सब चिदर महाराज बैठ के सामने सुनते थे। मैं एक बात अपने अनुभव की कहता हूँ, उनके साथ में हमने जो बिताए समय वो तो उस जगत के हमको पता नहीं, भाई हम इस जगत में आगे नारायण महाराज बने उनके साथ में हम रहे, हम हमारी बात बताते हैं, उस जगत की बात तो है ही वो, जो समझे समझे, अब इसमें से बहुत समझने वाले जो है समझने वाले समझते हैं। हम लोग मथुरा में रहते थे, महाराज के साथ में ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, नवदीप मंडल की परिक्रमा करते थे, उनके साथ में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। तो महाराज जी को मुझे आकर के मैं बरसा में परिक्रमा चल रही थी, हमारी बरसा में परिक्रमा चल रही थी और मुझे आके महाराज जी बस ठीक 12 साल हो चुके थे, मुझे गदगद हो गए। मैं इधर परिक्रमा चल रही थी बरसाने में ब्रजमंडल पर, बरसाने में हम एक धर्मशाला में रुके थे। तो महाराज जी को मैं जाके बोला, महाराज जी मुझे आज आपके पास हमें आके 12 साल पूरे हो गए, 12 साल मैं गदगद हो गया, मुझे इतना साल मेरा। मैंने यही महाराज जी का, हाँ मैं हम महाराज जी को महाराज जी के धर्म गुरुदेव ने कहते हम महाराज जी के पर के शिष्य है, हम लोग बैठे हैं महाराज जी की, हम लोग डायरेक्ट शिष्य नहीं है, हम लोग महाराज जी के, क्योंकि महाराज जी के पास जितनी हमने सेवा की है कोई बोल नहीं सकता कि हमने सेवा की, वो बोलने की जरूरत नहीं है, सेवा दिखती है बोलती है। माधव महाराज जो सेवा की है गुरु जी की वो बोलने की जरूरत नहीं है उनको, वो साथ में चिपक के रहे थे माधव महाराज सिर्फ गुरु जी एक पग नहीं इधर से उधर चलते थे, सब लोग ने देखा इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस समय मैं वहां पर, मैं भी महाराज इनके पीछे पीछे था, हम पीछे पीछे इनके रहते सबसे, तो वहां पर जब बरसाना में गुरु जी के पास में 12 साल पूरे में गदगद हो गया। मैंने कहा कि गुरु जी आपके पास में आकर, महाराज जी मैं गुरु जी को भी कहता ही नहीं था, मैं महाराज जी कहते थे, तो महाराज जी आपके पास आते तो मुझे 12 साल प्रकट हो गया। तो इसी साल इसी समय में आपके पास में पहुंचा था, मुझे 12 साल में ठीक पूरे हो गए। तो महाराज जी मैं ठीक, फिर महाराज जी एक चीज बोला, महाराज जी मुझको आपसे जो चीज मिली है, मुझे धन मिला 12 साल में जो मुझे प्राप्त हुआ आपसे, जगत की कोई संपत्ति मुझे लुभा नहीं सकती है, जो आपसे मुझे सुन करके जो मुझे आप चीज मिली है। महाराज ठीक है, मुझे आशीर्वाद माधव महाराज को बोले, माला पहने मुझे माला पहने, माधव महाराज याद है नहीं मुझे, मुझे ये चीज याद है। तो इस प्रकार महाराज जी के पास रह करके पता नहीं हमारे कोई पूर्व जन्म के संस्कार हो गए, हमको ऐसे ही उनके निकट आने का, उनकी सेवा में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और एक बात बोलता हूँ कि महाराज जी तो आप लोग जानते हैं उनकी पूर्व आश्रम का, और वो घर चार छोड़ करके आए, उनको भी लौकिक व्यवहार से लौकिक लीला करते हैं, लोग समझते क्या है कि त्यागी होना चाहिए बैराग्य होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए, गृहस्थ थे त्यागी हो गए। तो आकर के महाराज जी तो जब गृहस्थ आश्रम में गए थे, उनको 3 बच्चियां भी थी, किंतु फिर मैं एक बात उसमें मुझे ये याद आती है कि देखो अगर कोई संसार में रहता है, अपने बाल बच्चे पैदा करता है, उसके लिए लिखाया पढ़ाया कराता है, फिर उसको पढ़ने के बाद सोचता है कि इसका फल हमको कुछ मिले, सबके माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा हो जाए, इसको लिखाने पिलाने में कितना जोर लगाते हैं, आपने कम खा के आपने बहुत कष्ट करके उनको खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं कि हमारे बाद में ये लड़का हमारे सेवा करेगा काम करेगा, और ऐसे बिना ऐसे पढ़े लिखे लड़के बाद में आकर के, ये भगवान की कृपा है, भगवान की सेवा के लिए जो करे उसकी भगवान ऐसी व्यवस्था करके देते हैं। क्या होता है कि ऐसे माता पिता बच्चों को लिखा पढ़ाए कंप्लीट करे और वो बच्चे भाग करके महाराज जी के पास आ जाए, बना बनाए क्रीम तुमने मेहनत की और क्रीम ये लोग खा रहे हैं, ऐसे तो माधव महाराज देखो संस्कृत ऑनर्स पढ़ करके कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये भी बीए करके आए, सब पढ़े लिखे लड़के सब गुरु जी के पास आ गए, है कि नहीं। तो ये क्या है, भगवान की सेवा के लिए को आगे बढ़ेगा तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, तो संसार के लोग समझते हमको क्रीम मिलेगा, उनको क्रीम मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको क्रीम लिखे पड़े लड़के भाग 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 के सब कुछ ले, तो बच्चा छोटा से बड़ा करने में कितना कष्ट होता है आप लोग जानते हैं संसारी लोग। तो ऐसे ही महाराज जी का जब आपको महाराज भी खुद ही कथा कहते तो लिखे पड़े लड़के खुद भाग भाग के हमारे पास आते हैं, ये भगवान की सेवा के लिए नहीं। तो इस प्रकार ये भगवान की सेवा के लिए उन्होंने जो किया, तो उन्हें क्या किया, और महाप्रभु की जो कृष्ण नाम कृष्ण धाम और कृष्ण काम, ऐसे गौर नाम गौर धाम गौर काम, यहाँ पर ब्रजमंडल के कृष्ण का नाम धाम और गुण का, वैसे ही वहाँ गौर मंडल का भी, महाप्रभु की धाम का वहाँ पर परिक्रमा, ब्रजमंडल की परिक्रमा, तो कृष्ण और गौर दोनों की ये सब लीला, इसके श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेशम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण स्तम शिरसा नमामि। उन्हें श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम, वो कृष्ण की लीला वही महाप्रभु है, दोनों की लीला प्रचार करने के लिए सारे पृथ्वी में
जो उन्होंने जैसा कार्य किया न भूतों न भविष्य, उन्होंने उस समय में पिछले महाराज जी जब ये दसवा तिरुभाव तिथि मैंने 10 साल हो गए उनको जाकर, उसके पहले 2001 से या जब से मैं भी 91 से जुड़ा हूँ, मुझे 20 साल महाराज जी साथ रहा, तो 91 से लेकर के 2010 तक 20 साल मैं अपने आप मुझे, हम गौरमंडल परिक्रमा जाते, ब्रजमंडल परिक्रमा जाते, तो महाराज जी ऐसा जैसे जीव गोस्वामी हमारे उस समय अपने समय में तीनों मंडल के, ब्रजमंडल गौरमंडल क्षेत्र मंडल के चक्रवर्ती सम्राट के सार्वभौम सम्राट, तीनों मंडल में उनके जैसा ना कोई विद्वान था ना रसिक था, ऐसे हमारे महाराज जी, ये बोलने की बात नहीं, जो समझ सकते हैं जो अपने विचार से बाद में आगे समझेंगे उनके लिए भी, कि तीनों ब्रजमंडल गौरमंडल क्षेत्र मंडल में हमारे महाराज जी से रसिक और चक्रवर्ती सम्राट, तीनों मंडल में ना ब्रजमंडल में कोई नहीं था, ना वहाँ पर हमारे नवदीप मंडल में और क्षेत्र मंडल पूरी में भी ऐसा कोई नहीं था जो महाराज जी के समान, तीनों मंडलों में एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हमारे महाराज जी थे। उन्होंने ग्रंथों के रूप में हमारे जितने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने हमारे महापुरु के अनुगत में जितने ग्रंथ थे, जो बहुत दुर्लभ ग्रंथ थे, साधारण लोगों के निकट वह प्रकाशित थे, रूप गोस्वामी जो चीज, महापुरुष जो चीज देने के लिए आए थे, चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सुपदांतिकम, जो चैतन्य महापुरुष के मनोभीष्ट जो रूप गोस्वामी ने पूर्ण किया, उन्हें तो ग्रंथ रूप में उनको प्रकाशित करने, उन्हें तो ग्रंथ रूप में लिख दिया, वो कोठार भंडार भर दिया, उस भंडार को चावी खोल करके जगत में वितरण करने वाले पूज्य बाद हमारे नारायण गोस्वामी महाराज, जिनके जन्म जन्मांतर तक हम ऋणी रहेंगे, को देखेंगे आगे आने वाले भी देखेंगे, इतने सारे ग्रंथ जिन्होंने ग्रंथ प्रकाशन किया, तो हमको भी कुछ ग्रंथ प्रकाशन करने का, मैं भी आया तो महाराज मठ में हमको पहले अपनी लाइब्रेरी ठीक करने के लिए, लाइब्रेरी महाराज की लाइब्रेरी जो थी अभी गोवर्धन में है देखना, मथुरा मठ में थी, उसके नंबरिंग मैंने पहली सेवा थी मठ में आके, नंबरिंग करो ग्रंथों पर लिस्टिंग करना, ग्रंथ प्रकाशित करो, महाराज ने कंप्यूटर लाया मेरे लिए, हमको टाइपिंग सिखाई, ग्रंथ कंपोजिंग किए, गीता भजन रहस्य उज्ज्वल नीलमणि भक्ति भजन रहस्य मैं खुद कंपोज किया अपने हाथों से, पता ही नहीं पड़ता चल, महाराज बोलते थे कंपोज करना है, महाराज खुद एडिटिंग करते थे, माधव महाराज महाराज खुद, तो कितनी ग्रंथों में लगन थी, आप लोग देखने लिखते हुए सबसे महाराज की फोटो देखेंगे, तो वो ये सब ये गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ग्रंथ प्रकाशन करने में, और फिर ये मठ बनाने में जिन्होंने ये सब कर करके हम लोग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म तैयार करके ऊंचे महल मंदिर खड़ा करें, हम लोग को कुछ नहीं जाता, अभी तो इतना ऑडियो वीडियो हो गया कि आप लोगों को ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑडियो वीडियो में सब लोग देख सकते हैं, आजकल ये पत्रिका प्रकाशित हो रहा है, हमारे ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो भी प्रकाशित हो रहे हैं, तो ये बना बनाए आपको मक्खन मिल रहा है, जितना मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत का आजकल करना भी नहीं चाहते हैं लोग, तो इस प्रकार उनकी ये करुणा है, मैं सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, शायद मिस करते ही बजा रहे हैं, उसके पहले मैं समझता हूँ इशारा सब लोग को बोलना है, मैं यही उनके दोनों गुरुवर्गों के पूज्यपाद भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरणों में और सभी उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, हमारे कृपा करें, हम जिस प्रकार उनकी सेवा करते हैं करते रहेंगे करेंगे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब मैं श्री रामचंद्र प्रभु से अनुरोध करता हूँ, गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री रामचंद्र प्रभु। माइक दे दें। चक्षुर्न मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं मदारे मधुरे गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां कृष्णा नमामि। सर्वप्रथम मैं अपने परमराधितम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अस्त्रोत्र श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंचासीत समस्त श्री दंडी स्वामी
सबके नाम लूंगा तो माधव महाराज जी कहेंगे टाइम हो गया। चिदंडी स्वामी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। ये आवाज यहाँ से तंग कर रही है मुझको, आई आ नहीं रही। देखो ये वापस आके आ रही है मुझको, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे लग रहा है बिना माइक के बोलूं। लेकिन प्रभु जी इधर बहुत अच्छी है। नहीं दिक्कत आ रही है मुझको, हरे कृष्णा ऐसे करते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, लीजिए कॉर्डलेस इधर आ जाइए। ठीक है, मैं तो सुनाई नहीं पड़ेगा ना, इसको बंद कर सर क्या बंद है, कौन सी आवाज आ रही है? इधर आके अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। मैं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथारत दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये बड़ा अच्छा हुआ कि माधव महाराज जी ने कहा कि रामचंद्र दास बोलो। बोलो क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि ये नहीं बोला कितना बोलो। पहले बता दिया, बस रामू तो बोलो टाइम हो गया, समझा तो रहे। मैं ये समझता हूं कि जब से मेरा जन्म हुआ श्री गुरुदेव ने मेरी संभाल शुरू कर दी थी। अब बोलोगे कि जन्म में तुम्हें कैसे संभाल कर दी, इसे मैं कहूंगा अलक्षित रूप से शुरू कर दी थी। बंगाल में खूब प्रचार होता था तो उनके गुरुदेव यानी हमारे परम गुरुदेव ने मथुरा में मठ बनाया। वो नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए बनाया, सन 1954 में बनाया और मैं भी सन 1954 में पैदा हुआ। देखो जो संकल्प किया हमारे गुरुदेव ने उस संकल्प का ही मैं परिणाम निकला कि मैं पैदा हो गया। और उसके बाद मैं मथुरा में रहने लगा, डी गेट नाम की जगह पे। वहां से शिफ्ट होके हम लोग डैम्पियर नगर आ गए, फिर मैं डैम्पियर नगर रहने लगा। और डैम्पियर नगर से गुरुदेव का मठ मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं मठ होता क्या है। तो जिंदगी के सारे पड़ाव और मुकाम घूमते घूमते पढ़ाई की, पहले तो साइंस में पढ़ाई की, एमएससी की, उसके बाद सारी फिलोसफियां पढ़ी, फिर मायावादी बना जम के। एक होता है ना छोटा मोटा मायावादी, मैं मायावादी बना जम के। फिर इस्कॉन में आया, इस्कॉन ने मेरा मायावाद तोड़ा जम के। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब गुरुदेव की प्लानिंग चल रही थी। शुरू शुरू में ध्यान लगाने के ऊपर बड़ा जोर आता था कि ध्यान कैसे लगाया जाए, और गुरुदेव के पास आने के बाद पता चला ध्यान लगाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, प्रेम करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप लोग विश्वास करो कि ध्यान लगाना और प्रेम करने में कितना अंतर होता है। अब वो मैं दो उदाहरण से दिखाता हूं कि कैसे गुरुदेव प्रेम पैदा करते थे जो ध्यान लगाने से पैदा नहीं होता। भागवत में भी लिखा है ध्यान लगाने के लिए भगवान के चरणों को देखते रहो और उस पर ध्यान लगाओ, जब वो चरण हृदय में उदित होने लग जाए तो समझ लो ध्यान तुम्हारा कामयाब हो गया। और फिर हमारे आचार्य रूप गोस्वामी जी बोलते हैं यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखग्राम रीचि। यद्यपि समाधि में ब्रह्मा जी और शिव जी आपके चरणों की छटा भी नहीं देख पाते हैं और मैं उनके ऊपर मंडराना चाहता हूं भौरे की तरह। इदमि इच्छामि निष्मेतवाचुत तद्पि कृपा गुत विचि क्या कृष्ण देव भवंतम वंदे। तो मैं जगन्नाथपुरी में था, शुरुआती दिन से जुड़े हुए,
एकदम शुरुआत कीजिए। मैं गुरुदेव के साथ हंसता खेलता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था, डरता भी था। 11:30-12 बजे का जब टाइम होता था, गुरुदेव गमछा पहन लेते थे, मालिश का टाइम शुरू हो जाता था। तो कोई भीड़ भाड़ थी नहीं जगन्नाथपुरी में। सिंघानिया जी का घर था बहुत बड़ा, उनके कमरे में गुरुदेव बैठे थे, मैं बैठा था मालिश करने के लिए। एक दो जने और आ जाते, बोलते तू यहाँ क्यों बैठा है? गुरुदेव बोलते क्यों बैठा है? मैंने बड़े मुस्काते हुए कहा, गुरुदेव मालिश, तू MSc फिजिक्स है ना, मालिश करने के लिए फिजिक्स किया, उठ। मुझे खड़ा कर दिया। अब देखो मुझे क्या है, उठ, मैं क्या करूं? एक उठ गया, फिर धक्का मार के चल चल बाहर निकल, धक्का मार के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब मैं बड़ा परेशान, फिर दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा, माधव महाराज जी के तरफ, नवीन कृष्ण प्रभु से बोले, पीछे खिड़की से चलांग मार के अंदर चला जा। मैंने कहा जब बैठा हुआ था तो धक्का मार के निकाल दिया, अगर खिड़की से छलांग मार के जाऊंगा तो खिड़की से फेंक ही देंगे। वो घबरा गया, पर मेरा खून पानी हो चुका था, हिम्मत मेरे में कुछ भी नहीं थी। मैं अंदर से सोच रहा था जरूर कुछ ना कुछ मेरे से अपराध या गलती हो गई है, गुरुदेव जो है मुझको रिजेक्ट कर दिए, अपने स्पर्श से, चरणों के स्पर्श से रिजेक्ट कर दिए। मायूस, बड़ा बेतहाशा होकर मैं वहां खड़ा था। 5 मिनट बाद फिर दरवाजा खुला, गुरुदेव दरवाजे पे खड़े थे, बोलते आ जा। फिर मुझे अंदर बुला दिया, फिर मालिश करवा ली। उत्कंठा बोल बढ़ाकर और फिर ऐसी सेवा देकर मेरा जो उनके लिए प्रेम था वो कुछ ही मिनटों के अंदर में इस साइकिल में कहां से कहां पहुंच गया। एक बार ऐसे ही हम पुरी में थे, ये सेकंड टाइम की बात है, ये तो नई नई बात थी। और जगन्नाथपुरी से अब हमें वापस दिल्ली जाना था, गुरुदेव की फ्लाइट थी और मेरी ट्रेन थी, और गर्मियों के दिन थे, 6 मई की फ्लाइट थी गुरुदेव की और मेरी 6 मई की ट्रेन थी, जो 7 की रात को या 8 को पहुंचने वाली थी। और बाई चांस 7 मई को मेरा जन्मदिन, और यहां गुरुदेव को पता चल गया कि 7 मई को मेरा जन्मदिन। तो गुरुदेव कहते हैं तू 7 मई को दिल्ली क्यों नहीं आ जाता? मैंने कहा महाराज जी मेरी ट्रेन ही नहीं पहुंच पाएगी 7 मई को। उन्होंने सिंघानिया को कहा, सिंघानिया ने राजधानी से मेरी ट्रेन कर दी, राजधानी तेज चलती है ना, कि 6 को चलेगी, 7:10 बजे पहुंच जाएगी दिल्ली, और शाम को हमारे दुग्गल साहब के यहाँ प्रोग्राम था। दुग्गल साहब ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं, पास में मेरा घर था कैलाश हिल में। देखिए चांस की बात, राजधानी एक्सप्रेस कि आगे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुबह 10 बजे पहुंचना था वो 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटा लेट हुई, फिर 3 घंटा लेट हुई, 4 घंटा लेट हुई, 8 बज गए शाम के, वो दिल्ली स्टेशन पे नहीं पहुंची। 8:30 बज गए, 8:30 बजे के करीब मैं स्टेशन पे उतरा, घर पहुंचा, नहाया धोया और मैं वापस आया दुग्गल साहब के यहाँ। मैंने कहा गुरुदेव को प्रणाम कर लूंगा। 9:30 बज गए, 9:45 बज गए और गुरुदेव बैठे हुए थे, अभी प्रोग्राम उन्होंने रोका नहीं था, बोलते आएगा वो जरूर। और आने के बाद फिर मेरा स्वस्ति वाचन किया। अब बताओ ये मेडिटेशन, ये ध्यान और ये प्रेम कितना अंतर है दोनों। और ये प्रेम कहां से, ये गुरुदेव देते थे प्रेम, गुरुदेव देना, गुरुदेव इसी को कहते थे विश्वास और श्रद्धा। जब हमें वैष्णव गुरु और श्री कृष्ण राधा कृष्ण पे विश्वास और श्रद्धा पैदा हो जाए, यही हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, गुरुदेव कहते कोई ऐसा एक बार भी कह ले, दिल से कह दे तो उसका काम हो जाएगा।
मैं शालीमार बाग में गुरुदेव के साथ हरे कृष्णा एक इमरजेंसी है, दो गाड़ी हटानी है पार्किंग में से, यूपी 16 यूपी 16 BS6465 और यूपी 14 DN9569 कुछ इमरजेंसी है, प्लीज वो जाकर गाड़ी को आप हटा दीजिए, वो एक माता जी को जाना है अर्जेंटली तो गाड़ी नहीं निकाल पा रही है, प्लीज हटा दीजिए। हरे कृष्ण तो मैं क्या कह रहा था बताओगे? शालीमार, हाँ मैं शालीमार बाग में था, इसको सामने ना रखे फोटो खींच रहा था गुरुदेव के साथ और उनके पास पूनम आई, मैं और गुरुदेव थे, पूनम आई, तीन जने हो गए। पूनम ना बड़े उदास मन से बोलते, गुरुदेव आपके साथ इतने साल हो गए रहते रहते, जाप भी कर रहे हैं भजन भी कर रहे हैं, लेकिन एक रत्ती भर भी मेरे में कोई असर नहीं आया है, आगे बढ़ ही नहीं रही, कुछ तो करो। गुरुदेव कहे ठीक है अभी वैकुंठ को जा देता हूं, अभी चलेगी? नहीं नहीं मैंने वैकुंठ नहीं जाना। गुरुदेव बोले अच्छा चल द्वारका को भी जाए अभी हो जाए, नहीं 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 मैं ये द्वारका नहीं करता, ठीक है मैया यशोदा की तेरे को सखी बना देता हूँ, बोलो गुंडा बन, नहीं 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 मुझे वो भी नहीं बनना, फिर करना क्या है तुझको, मैं तो राजा जी की दासी बनना है। तो बोलते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में ये निर्णय कर लिया कि राधा जी की दासी बनना है और मैं तुझको दूसरी दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार बैठा हूँ और तू जाने के लिए तैयार नहीं बैठी है और बोल रही है कि मेरा कुछ हुआ नहीं, सुन रहे मेरा कुछ हुआ नहीं, जिसने ऐसा बड़ा निर्णय ले लिया अपने जीवन में बोलता है हुआ नहीं। फिर एक बात गुरुदेव ने और बोली, बोले भक्ति में साधु संग में आकर भजन करने से उन्नति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती, तो महसूस हमको शरीर से होता है, बुद्धि से होता है, मन से होता है, मन और बुद्धि से परे जब आत्मा आगे बढ़ती है, बढ़ी है कि नहीं कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि आत्मा को जो घटना घटित हुई है उसे बुद्धि पकड़ नहीं सकती है ना उसको मन जान सकता है, तो इसलिए आदमी बहुत। फिर एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, हवाई जहाज में बैठे हो ना पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाते तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें लगता है तुम बैठे बैठे चुपचाप खड़े हुए, बैलगाड़ी में बैठे हो तो फिर भी पता चलता है कि चल रहे हैं हम ग्रुप ग्रुप, रेलगाड़ी में भी पता चलता है और बसों और कारों में भी चल जाता है, लेकिन हवाई जहाज में वास्तव में बैठो तो इस समय ऐसा आता है लगता है हम बैठे हुए हैं और हवाई जहाज भी बैठा ही हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम खड़े हुए पर हम वास्तव में खड़े हुए नहीं है, हम भक्ति में आगे चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डैम्पियर पार्क में अभी महाराज जी बतला रहे थे, तो अभी हम जिस मठ के अंतर्गत में हैं कुछ बात भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी देख रहे हैं, लेकिन मठ की देखरेख कौन कर रहा है मालूम है आपको? हैं? वो हमारे कौन है? हैं? जीत प्रभु, कहां है जीत प्रभु, खड़े हो जाओ। एक बार की बात है टेम्पियर पार्क में हम पैर पार्क सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जीत प्रभु भी साथ थे, ये नया नया बच्चा था जैसे अभी पैदा ही हुआ है भक्ति के मामले में। कैलाश हिल से यहाँ प्रचार करने के लिए आता था तो राधानाथ जी के यहाँ जैव धर्म शाम को कथा किया करता था, कई महीने की, मेरे के लिए एक साल से ज्यादा की, और इधर पास में शिखा जी का एक घर था वहां जाता था, वहां ये जीत प्रभु बहुत ही ज्यादा सेवा किया करते थे। तो जब मैं गुरुदेव के साथ हुआ तो ये भी आगे मॉर्निंग वॉक चल रही थी और गुरुदेव बेंच में बैठे और गुरुदेव ने पूछा
बताओ गौरिया सिद्धांत एक ही श्लोक में बदलाव क्या है? भैया श्लोक से तो मेरा जीवन का कोई नाता नहीं, मैं तो बता ही नहीं सकता। और उस समय जीत प्रभु ने बोला आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या धाम परम धाम वृंदावन। काहे जीत याद है भाई, जब जीत ने ये कहा गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, वाह क्या बात है। और फिर उन्होंने एक चीज और पूछी कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या संदेश है, मुख्य संदेश क्या है? तो बात हुई दशमूल तत्व है, वो क्या है दशमूल तत्व क्या है? जीत फिर खड़ा होके दशमूल तत्व का जो मूल श्लोक है ना, जिसमें दसों मूल लिखे हुए हैं, उसने खटाक श्लोक पढ़ डाला। और फिर तो गुरुदेव ने उसको बड़ा आशीर्वाद दिया कि जा नोएडा में तू मठ चला। वो चला प्रेम को इस तरह से गुरुदेव बढ़ाते थे, हमारे अंदर जितना भी हो सके प्रेम बढ़े। गुरुदेव अपने तरह तरह के लीलाओं के द्वारा हमारे को प्रेम बढ़ाया करते। दादा नानी की पालीदासी का विचार उन्होंने दिया, तो जब मैं इस्कॉन से आया था गुरुदेव की इन बातों को सुनता था, तो मठ की गीत गुच्छी मैंने ली और गीत गुच्छ में से भजन पढ़ता था। गाना तो आता नहीं था फिर भी गाने की कोशिश करता था। तो उसमें एक ग्रुप है सिद्धि लालसा भजन, तो मैं वो सिद्धि लालसा के भजन बड़े प्यार से गाया करता था। देखिते देखिते भूली बोवा कबे स्थूल निज स्थूल परिचय। वो समय कब आएगा जब मैं स्थूल परिचय भूल जाऊंगा, अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। खुद भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन, वरणे तड़ित वास तारावली कमल मंजरी नाम, कि मेरा रंग बिजली की जैसे चमकदार गोरा है और जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं उसमें तारे लगे हुए हैं, तारे उनका लहंगा था। वैसे साढ़े बारह वर्ष उम्र, साढ़े बारह साल की, तो अपना सारा परिचय। कब ऐसा समय आएगा जब वृषभानपुर में जन्म लूंगा और जावट में विवाह हो जाएगा। और मैं बड़ा आनंद लेता था इन भजनों में। जिंदगी बीती, एक दो तीन चार पांच छह साल बीते, अब धीरे धीरे दूसरे भजनों की तरफ ज्यादा ध्यान जाने लगा। नाम की महिमा, हरि नाम तुआ क्या है अनेक स्वरूपा, और कृष्ण देव भवंतम वंदे। मैंने कहा गुरुदेव मेरा तो बड़ा डाउनफॉल हो गया है। बोलते क्यों? क्योंकि पहले मैं इन भजनों के प्रति आकर्षित था, अब मुझे इधर आकर्षण नहीं, मुझे इधर आकर्षण लग रहा है। गुरुदेव कहते हैं यही पद्धति है और यही मेरी पद्धति बतलाने का स्टाइल है। क्या है कि पहले तो हम ये असर्टेन करें, असर्टेन का मतलब समझते हो, ये बात हम नक्की करें हमारे उद्देश्य क्या है। हमें मालूम ही नहीं हमने जाना कहाँ है, तो हम गाड़ी कौन सी पकड़ेंगे, टिकट कहाँ की लेंगे, फिर हम साधन करें। पहले एम और ऑब्जेक्ट और उसके बाद साधन। मैंने देखा कि हमने जब भक्ति शुरू की इस फॉर्म में गए थे तो एम और ऑब्जेक्ट दिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन उसका डीप एम और ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिला अभी, वो गुरुदेव ने दिया हमें। इसी तरह से दादा जी की पालीदासी बनना है और उसके बाद फिर हम
धीरे 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 साधन करना शुरू कर। अभी साधन यही है, मेरे अनर्थ दूर कैसे हो, मैं भजन ज्यादा कैसे करूं। महाराज की लो जी, सिद्धांत आ गया सिद्धांत जी के साथ। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूछने वाले तो वाकई बहुत हैं और सबको सुनते सुनते आज ही रात से पहले काम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आज की तारीख में हो जाना चाहिए। और प्रेमानंद हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री रामचंद्र प्रभु से श्रवण किया कैसे गुरुदेव शिष्यों का या शिष्यों की उत्कंठा कैसे संभालते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। और नरसिंह भाई बताया था नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, उस श्लोक में जो गुरुदेवों का विचार सुना रहा हूँ, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी है। ये कैसे, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब मेरी बारी आएगी, नहीं तो समय ले लूंगा तो असुविधा होगी। अब मैं शांतमय से अनुरोध करता हूँ, गुरुवर्ग के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री शांत महाराज। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय सपरिकराय जुगल किशराय च व्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षत्राय राधावनाय च नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग नहीं बोला, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गुरु गौरांग राधा गोविंद जी की जय, जय श्री राधे। सबसे पहले मेरे गुरु महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति विदान बाबू गोस्वामी महाराज जी की चरण सरोज में अनंत अनंत कटि दंडवत प्रणाम। मुझे शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राज दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी की चरण चरण सरोज में अनंत अनंत कटि दंडवत प्रणाम। सभा में आए हैं वैष्णव वृंद, सभापति महाराज पूज्य माधव महाराज, पूज्य वन महाराज जी, सिद्धर महाराज, सिद्धांति महानंद, सभी दिगंडी सन्यासी वैष्णव भक्तवृंद, सभी के चरण यथाज्ञ दंडवत प्रणाम। सादर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वांछा करता हूँ। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु महाराज नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनकी शतवार्षिकी उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और हम लोगों की बड़ी भाग्य है, हम इसमें श्रद्धांजलि देने के लिए मौका मिल रहा है। गुरु जी की महिमा, गुरु कृष्ण महिमा एक करी जाने, गुरु और कृष्ण की महिमा एक ही है। महिमा जब ग्लोरिफिकेशन गाय करेंगे तो भगवान में और गुरु में अंतर नहीं दिखाई देगा। इसलिए गुरु को तो हम देखा लेकिन भगवान को हमने नहीं देखा, तो कैसे देखना है बोलते, गुरु के माध्यम से देखना है। तभी कीर्तन में कहते हैं श्री गुरु कृपाए भेंगे चे सपन, बुझे छी अखन तुमी आपन, तब निज जन परम बंधक संसार कारागारे। इस संसार में याद रखना गुरु ही अपना है, वैष्णव गुरु होना चाहिए। कोई अन्य बहुत सारे गुरु है, कर्मी गुरु, ज्ञानी गुरु, जोगी गुरु है, लौकिक गुरु, अलौकिक गुरु, हाँ, लेकिन कौन से गुरु हैं
वो है वैष्णव गुरु होना जरूरी है। ऐसे वैष्णव गुरु आचार्य कौन होते हैं? ये भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, भगवान की इच्छा से जगत में आते हैं और उनकी इच्छा से चले जाते हैं। इसलिए कहा है गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाश। गुरु जी ने उनकी जो लीलाएं हैं अनंत लीला है, दिव्य लीलाएं, उनके जो चरित्र है अतिमर्त चरित्र है, उनकी चरित्र उनकी लीला कथा है। अभी रामचंद्र जी बता रहे थे ना, इतनी वक्ता हैं तो बोलते बोलते चलो इसी डेट में पूरा हो जाए तो है ना, इसीलिए समय से पाबंदी लगाया गया, समय के अनुसार पूरा करना है। तो गुरु महाराज किस तरह से इस संसार में नित्य सिद्ध पार्षद होते हुए भी आप लोगों ने जिन्होंने देखा है तो कितने कष्ट उठाए हैं, प्रचार करना, ग्रंथ प्रकाशन करना है, परिक्रमा चलाना और फिर अपना भजन करना, सब कुछ सब सही रखते हैं, सब किया, तभी आज उनकी गुण महिमा, इतनी सन्यासी ब्रह्मचारी मिलकर के भी उनकी गुण महिमा समाप्त तो नहीं कर पाते। इसीलिए गुरु जी कहा जो मैं एक नारायण महाराज जा रहे हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे नारायण को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसीलिए जो भी सन्यासी बैठे हैं ये सब कौन है? ये भी उनकी समान, उनकी कृपा पात्र है, समान तो नहीं बोलूंगा, कृपा पात्र है। इसीलिए इन महाराज लोगों को हर एक साल पूरा शेड्यूल टाइट होता है, इस साल में तो मिलेगा नहीं आपको। इस तरह से गुरु की वैभव है, हमारे लिए गर्व है और आप लोग भी भजन कर रहे हैं, हम देख के बड़ी खुशी हो रही है जो देखो गुरु की वैभव है। और ऐसे गुरुपात पा करके अगर हरि भजन नहीं करते हैं तो हमारा जिंदगी क्या है, बेकार है। इसलिए हम ऐसे गुरु महाराज जी ने इनकी जो लीलाएं हैं उनकी लीला अनंत है, उनके जैसे हम लोग सब मिले थे देवानंद गौड़ीय मठ में, सरस्वती प्रभुपाद के धारा में, देवानंद गौड़ीय मठ में सरस्वती प्रभुपाद के जितने भी शिष्य थे सब एक सब विद्वान और गुरुदेव थे। और पूज्यवत सिद्धार्थ महाराज, परम पूज्य सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी और भारती गोस्वामी महाराज, सब बड़े बड़े भक्ति थे, माधव गोस्वामी महाराज परम पूज्य, ये सब अलग अलग सोसाइटी बनाया, प्रचार किया। तो हमारे परम गुरुदेव ने गौड़ी वेदांत समिति 1940 में बनाया, देवानंद गौड़ीय मठ गौड़ी वेदांत समिति, फिर वहाँ पे मिले थे। और मैं 1998 में मैंने पहले मिला देवानंद गौड़ीय मठ में आया और हमारे आचार्य महाराज मुझे बोलते हाथ देखते हैं, बोले ये रहेगा कि नहीं रहेगा। बड़ा मैंने कष्ट किया, मैंने बोला महाराज मैं जरूर रहूंगा, मठ में रहने के लिए तो आया, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं मठ छोड़ के चले जाते हैं, उन्होंने एक दिन दो दिन, मैं तो फिर भी माना नहीं, यस नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा दुखी हुआ, यार क्या मैं क्या वापिस चला जाऊँ और मैं भजन करने आया हूँ, तो मैं क्या क्या आचार्य महाराज का चरण ही पकड़ लिया मेरे। बोले नहीं मैं रहूंगा, बोलते अच्छा तू नाली साफ कर पाएगा? बोलते हैं अच्छा लैट्रिन बाथरूम? बोलते हाँ। तो जब सब ये हो गया तब बोलते हैं बोले ठीक है ये ब्रह्मचारी रहेगा। तब क्या किया, मुझे एग्जाम दिया गया है तब मुझे लैट्रिन साफ करने, कभी आपने खाने के बाद थाली धो के नहीं खा दी, ऐसा ही था वो, हर होता है हर बच्चे। तो उसके बाद क्या किया, जब चट्टी साहब को मैं महामंत्र किया और मुझे याद है ये हरिनाम जो है वो मैं करता था हर समय, और हरिनाम करने से ऐसे साधु का संग मिला और साधु संग में पा करके हमें ऐसे जो मठ मिला फिर गुरुदेव मिला। इसलिए कहते थे हमारे परिव्राजक महाराज कहते हैं कथा में, साधु वो जो कहते हैं क्या कहते हैं, साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीवित और कौन वस्तु नहीं। इसलिए सीधी सी बात है प्रभु, इस प्रकार गुरु वर्ग फिर देवानंद गौड़ी मठ में आया, फिर मुझे असम में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन मुझे नारायण गोस्वामी महाराज के पास आना है, ब्रज में जाना है, वृंदावन जाना है। और सचमुच में बंगाली लोगों को भक्तों का है श्रद्धा है, बंगाल के उड़ीसा के और बाहर के वृंदावन के प्रति विशेष श्रद्धा है,
तो वृंदावन में जाना है, ब्रजवासी है, देखना है कैसे है वो ब्रजवासी कृष्ण के प्रति कैसे मतलब भक्ति करते हैं, वो मुझे उत्कंठा, उसके लिए मैं निर्जला व्रत करता था, पहले अपने जीवनी बता रहा हूँ। तो फिर कभी कभी गुरु जी को सपने में भी देखता था, अरे यार ये बार मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हमारे जो चाचा गुरु थे वैष्णव महाराज, वो कहते भाई तू तो बड़ा साधु है मेरे से, यानी क्या बोलता, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बोलते नहीं नहीं तू तो निर्जला करता है, मैं तो सजला करता हूँ। तो उनका कपड़ा वगैरह धोता था, फिर उसके बाद मैं गुरु जी के पास आया, सत्संग प्रणाम किया। उस समय नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी नाम था पूज्य माधव महाराज का। बोले गुरु जी मैं आपके आपके पास रहना चाहता हूँ। जब देवानंद गौड़ी मोड़ आए परिक्रमा में, बोले अच्छा मेरे पास रहना चाहते, चलो मीटिंग में जो होगा तो वही करो। बोले नहीं गुरु जी आप बताइए कृपा करके। तब उस समय महाराज बोलते, तो बोलते है नवीन इसका नाम लिख लेना। तब मेरा नाम था वसुर का नाम था मेघनाथ लेकिन मैं बड़ा दुखी होता है मेघनाथ नाम ये तो बड़ा वसुर का नाम क्यों थी। फिर गौरव संहिता में पढ़ा मेघनाथ का मतलब दो, एक तो वसुर के बच्चा है, दूसरा मीनिंग है मेघ मतलब बादल, बादल में टकरा करके जो आवाज आती है उसको नाद करके उसको मेघनाथ कहते। तब मेरा तसल्ली हो गया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से गुरु की महिमा, गुरु ने उनको गुरुदेव को देख के मैं हंसता था और आज भी मैं हंसता हूँ। किसी भी परिस्थिति में मुझे मुस्कुराहट मिले क्योंकि उनकी विशेष कृपा है। मैं जानता हूँ गुरु मेहरबान चेला पहलवान, इसीलिए गुरु की कृपा है और उसकी कृपा जो दिख रहे हैं उनकी ऐसे आचार्य हैं, उनकी युगाचार्य उपाधि मिली है, उन्होंने तन से मन से गुरु की सेवा किया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जो जो गुरु से आप गुरु के जुड़े हुए हैं उन गुरु के प्रति श्रद्धा करिए, लेकिन जो काका गुरु हैं जो ज्येष्ठ हैं उनके प्रति यथार्थ सम्मान दीजिए, ना तो अपराध हो जाएगा अब तो कुटकुटी दोष। इसीलिए गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन। तो इस प्रकार गुरु प्रति गुरु कृपा करके रखते हैं लेकिन उस कृपा को हम ले नहीं पाते है ना। तो गुरु कृपा कर रहे हैं, गुरु जो कृपा नहीं किया ऐसा नहीं, गुरु कृपा कर रहे हम लेने की इच्छा नहीं कर रहे, हम इच्छा करेंगे कृपा, कृपा मतलब कर पाओ। इसलिए गुरु का आदेश और गुरु का जो शरीर बपुर सेवा वाणी सेवा बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ घंटी बजाने से पहले बंद कर दूं बात चलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं, कथा जरूर सुनना। हमारे साथ बड़े बड़े गुरु भाई लोग हैं, ऐसे बहन दीदी लोग भी हैं वो भी कथा जानते हैं। हमेशा कथा कीर्तन में रहिए तब हमारा जीवन अनमोल हो जाएगा। संक्षेप में और कितन संक्षेप करूँ, तो एक आखिरी में भागवत का श्लोक गा करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। तब कथमृतम तप्त जीवन कबीरितम कर्म सापम श्रवण मंगल श्रीमदाततम भुवि गृहन्ति ते भूरिदाजना। इसलिए इस भगवान की कथा, गुरु वैष्णव की कथा कीर्तन जो हम लोग कीर्तन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण सदा हरि नाम रट पंचाकल पुत्र कृपा सिंधु भैवत पुनितानंद प्रभु बोल। हरे कृष्णा। लेकिन हमारे संत महाराज का दीक्षा के बाद नाम हुआ था मोती कृष्ण दास, उनका नाम पहले मेघनाथ था, बाद में उनका नाम मोती कृष्ण दास हुआ था। मत समझे कि असुर है। अब मैं श्री मुनि महाराज से अनुरोध करता हूँ गुरुवर के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री मुनि महाराज। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये सदालये कृष्णाय कृष्णा भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपदाय
राधिकाए प्रियात्मने श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायणायते नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमः। मैं सर्वप्रथम मेरे परमानंदतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवृंदा नारायण गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके आयुध की कृपा भिक्षा करता हूँ। पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्गो के चरणों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके आयुध की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त गुरु भ्रातृवृंद सन्यासी वृंदों को मेरा यथाजग्य प्रणाम। आज बड़ा शुभ अवसर है, ये गुरु जी की शतवार्षिक उत्सव मना रहे हैं सर्वत्र सारा विश्व में। तो गुरु जी की कथा हम लोग श्रवण करने से कीर्तन करने से केवल हमारा उद्धार नहीं होगा बल्कि सारा जगत पवित्र होगा। भगवान की महिमा से बढ़कर गुरु की महिमा है। जैसे भगवान की आराधना आराधनानं सर्वेषां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। ये आगम शास्त्र में शिवजी माता पार्वती जी को ये कथा कहते हैं कि जितने आराधना है उससे सर्वोपरि भगवान विष्णु की आराधना है और उससे भी बढ़कर तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम्। जो तदीय है, तदीय माने जो सब कुछ भगवान के चरण में पूर्ण समर्पित है, सब कुछ अर्पण कर दिया, पूर्ण आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागत भगवान के अत्यंत प्रिय परिकर उनकी आराधना भगवान की आराधना से भी और श्रेष्ठ है। और भगवान स्वयं बात को बार बार शास्त्र में भगवान इसको कहा कि आचार्य मांग बीजान्यम। आचार्य जो सद गुरुदेव है वो मुझसे अभिन्न है, उनको कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि तो मनुष्य भगवान तो परात्पर तत्व है। भगवान कहते हैं कि मेरे बराबर आचार्य मां बिजानी। तो ये गुरुदेव की ये स्थिति है। लेकिन हमारे गुरुदेव जैसे आप लोग श्रवण किया कि गुरुदेव कितने सुंदर, कैसे व्यक्तित्व, कैसे पर्सनालिटी थे। हम सरल शब्द में कुछ उनके महिमा गान करेंगे। गुरु जी को समझना इतना सहज नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति देवताओं के स्तर में जब तक नहीं आया, देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, देवताओं की महिमा को नहीं समझ सकता, उस प्रकार कोई गुरुदेव के अंतरंग परिकर होकर अब अगर वो स्तर में नहीं आया तब तक गुरु जी की महिमा को पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएगा, प्रकाश भी नहीं कर पाएगा, स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर ऐसे गुरुत्व प्रकाश होगा तभी वो गुरु की महिमा को समझ पाएगा, स्पर्श कर पाएगा। इसलिए गुरु जी की महिमा प्रकाश करना इतना सहज नहीं है। लेकिन गुरु जी की कृपा से जो हम अनुभव किया है, जैसे वो अपने आप को दर्शन कराया है, जैसे भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्व जगो माया समावृत। भगवत गीता में भगवान कहते हैं
कि सर्वत्र प्रकाशित नहीं होते हैं भगवान, क्योंकि अपनी जुगमाय शक्ति के द्वारा वो आच्छादित रहते हैं, आवृत रहते हैं, अपने प्रिय भक्तों को ही सामने ही प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार गुरु जी अपने भक्त वात्सल्य के कारण अत्यंत शिष्य वात्सल्य, जैसे आपने सुना प्रजापति रामचंद्र प्रभु से और दूसरे दूसरे गुरु भाई लोग, किस प्रकार गुरु जी की जो प्रेम है, शिष्यों के प्रति जो वात्सल्य भाव है, इसी कारण वो अपने आप को प्रकाशित करते हैं, तभी हम लोग गुरु जी को समझ पाते हैं। अब एक दूसरे दृष्टि से देखेंगे, हम लोग बद्ध जीव हैं, संसार दशा में आबद्ध है अनादिकाल से, भगवत विमुख है, भक्ति विहीन है, हरि नाम में भगवत भक्ति में परमार्थ कार्य में कोई रुचि नहीं है, ऐसा अवस्था हम लोग के हैं। और गुरुदेव ने क्या किया, किस प्रकार उन्होंने कृपा किया, गुरुदेव ने सरल शब्द में हम सबको कैसे ना, उन्होंने मिठाई वितरण किया, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया। कौन सा स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्योंकि मिठाई मिठाई देने से तो व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। कौन सा मिठाई है वो, अधरम मधुरम बदना मधुरम हसिता मधुरम बचना मधुरम, वो मिठाई कौन है, वो कृष्ण है, जिनके आधार मधुरम है, उनके पतन मधुरम है, उनके नयन मधुर है, उनके गमन मधुर है, जो सब कुछ मधुराधिपते रखिलं मधुरम, जो निखिल जितने भी माधुर्य की आकर है, माधुर्य का निलय वो कृष्ण है। उस कृष्ण को गुरुदेव ने प्रदान किया, जिसको मैंने कहा कि मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन किया, कृष्ण नाम की माधुरिमा को उन्होंने वितरण किया, कैसे, हरिनाम के द्वारा, क्योंकि अभिन्नत्वाम नाम नामिन, और हरिनाम के द्वारा उन्होंने ये मिठाई वितरण किया, ये देख करके हमारी रुचि को परिवर्तन कर दिया, हमारा विपरीत रुचि को परिवर्तन कर दिया। प्रभुपाद दर्शन ठाकुर कहते हैं, कि एक जीव का जब विपरीत रुचि परिवर्तन करा जाएगा, ये वास्तविक की जीव दया है, वही उनकी दया है। जैसे एक बालक, एक बालक को, छोटे बच्चे को कंट्रोल से किया जाता है, टॉफी देकर मिठाई देकर, उसी प्रकार ये हरि नाम अमृत स्वीट, इसको ज्ञान सर में हम लोग प्रकार बालक को कंट्रोल करने के लिए माता पिता क्या करते हैं ना, उनको टॉफी देते हैं, मिठाई देते हैं, और जो कहते हैं वो मान जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव ये स्वीट, ये मिठाई दे करके हम सबको फंसाया,
इस अभी मैंने श्रवण किया कि महाराज जी कह रहे थे कि गोपियां गोपी गीत में गान करते हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमतातम भूभि गृणंति जे भूरिदा जना। ये भूरिदा जना जगत में सबसे बड़े दानी हैं, तो ऐसे वस्तु को दान करते हैं, ऐसे अमृत को वितरण करते हैं, तो त्रितापग्रस्त जो बद्ध जीव संतप्त जीव उनके हृदय में अमृत का संचार करते हैं। तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसा श्रवण मंगलम, और ऐसे सद्गुरुदेव की वाणी को श्रवण करते ही जीवन में कल्याण हो जाता है। उनके वाणी श्रवण करते कोई भी बात गुरुदेव मुख से जो निकलता है, जो वाणी उसको श्रवण करते ही हमारा कल्याण हो जाता है। श्रवण मंगल श्रीमता ऐसे गुरुदेव हैं। लेकिन गुरुदेव साधारण नहीं थे, जिसे हम लोग श्रवण किया लौकिक बद संधु लौकिक सदबंधुवत, जैसे अपने पिता अपने परम मित्र परम बंधु ऐसे गुरुदेव हम लोग के साथ डीलिंग करते थे। हमारे बीच में गुरुदेव की अपराकृत स्वरूप को तो हम लोग उपलब्धि नहीं करते, कृपा करके हमारे हृदय को उन्होंने आकर्षण किया, आकर्षण करके उनके चरण में स्थान दिया, सेवा प्रदान किया, बलपूर्वक सेवा पहुकर रूप सेवा लगाया। ऐसे दयालु गुरुदेव हैं। लेकिन उनका दृष्टि कैसे था? साधारण दृष्टि था। हम देख रहे हैं कि हम लोग जैसे देखते हैं गुरुदेव के ऐसे विजन था नहीं, वो अपने इष्ट देव सर्वत्र स्थावर जंगम देखे नाभिक तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्तुति, वो भगवान की परिकर है। और सर्वत्र सब समय कोई साधारण जड़ वस्तु को नहीं देखते थे, अपने इष्ट देव परमार्थ शिष्य राधा गोविंद के दर्शन करते सर्वत्र, यहां तक कि अपने शिष्यों में भी वो क्या दर्शन करते थे। कोई कोई शिष्य उनके बड़ा अभिमानी है, तो शिष्य की जो अभिमान को गुरुदेव क्या देखते थे, देखते थे कि ये अभिमान की जो शिखर पे पहुंचा है ये अभिमान कैसा है, अहंकार कैसा है, ना गिरिराज गोवर्धन है। गुरुदेव वहां गिरिराज गोवर्धन को दर्शन करते थे। शिष्य की अनर्थ जैसे कि नाल नर्दमा ड्रेन जैसे है, अपरिष्कार जो पानी बहता है नाली में, ऐसे अनर्थ ग्रस्त शिष्य होने पर भी सदगुरु के दृष्टि में गुरुदेव के दृष्टि में वो कालिंदी नदी है, नदी स्वरूप है। ऐसे परमहंस दृष्टि गुरुदेव और एक साथ हमारे पर कृपा करने के लिए साधारण रूप में जैसे हमारी परम बंधु परम हितैषी कृपा करते थे। सभी के जीवन में ऐसे ऐसे बहुत मैं संक्षेप में कहा, गुरुदेव की महिमा को हम लोग प्रकाश नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव की व्यक्तित्व तो ऐसे है और इस सर्वत्र कृपा करके सभी को सब जीवों को आकर्षण करके ब्रज धाम ले आए और हम लोग को भगवान की शरणागति सिखाया। कैसे शरणागति? जो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जो राधा दास्यम, उसको जगत में वो सिखाया हम लोग को गुरुदेव ने। मैं अंतिम में यही कहूंगा, गुरुदेव ने हम लोग को ये सिखाया कि कृष्ण से अगर प्रार्थना करना है, भगवान से प्रार्थना करना, तो क्या प्रार्थना करो? हे श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्मर हास मुरली मनोहर राधिका रसिकम माम कृपा निधे सुप्रिय चरणम किं करें गुरु। राधारानी के दास्य पद जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो दास्य पद को प्राप्त करने की प्रार्थना, यहां तक कि कृष्ण से भी वही प्रार्थना करने के लिए गुरुदेव ने सिखाया। और आगे की गुरु भ्राता लोग हैं, अनेक योग्य गुरु भ्राता है, और सुंदर रूप में ये बात को समझाएंगे, गुरुदेव की महिमा प्रकाश करेंगे। मैं इन शब्दों के साथ गुरु जी के चरण कमल में अपनी वाणी को पुष्पांजलि अर्पण करके उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ।
जय श्री गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शतवार्षिकी उत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अब मैं श्री भक्ति वेदांत परमहंस जी से अनुरोध करता हूँ गुरुवंद के श्री चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें श्री बन महाराज। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वंदे गुरुवरदन्नं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वंदे राधिकाचरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्ण चैतन्यं प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। एवरीवन रेज योर हैंड। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा अनंत कटी साष्टांग दंडवत। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान मदीय सतीर्थ वृंद एंड प्रपूज्य चरण श्री पद्माधव महाराज नरसिंह महाराज और मणि महाराज श्रीधर महाराज सिद्धांति महाराज शांत महाराज और रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है आज हम लोग इस पावन वेला पर उपस्थित हुए हैं गुरुदेव की शतवार्षिकी 100 साल उनकी जन्म महोत्सव हम लोग पालन कर रहे हैं और गुरुदेव की महिमा सभी भक्त लोग ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन और सर्वत्र पृथ्वी की ऐसी की देश नहीं है ऐसी की स्थान नहीं है गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पर जिन्होंने पुष्पांजलि प्रदान नहीं किया। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार गुरुदेव की आविर्भाव तिथि शतवार्षिकी जो है वास्तव रूप में हुई है 7 फरवरी 2021 अर्थात गुरुदेव के आविर्भाव हुई थी 1921 और अभी 2021
21 हो गया। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता वैष्णव रीति के अनुसार, तिथि के अनुसार हम लोग 11 फरवरी को हम लोग मनाया है और सर्वत्र सभी लोग गुरुदेव के चरण में सुंदर रूप में पुष्पांजलि दिया। विभिन्न भाषा में, केवल हिंदी भाषा में नहीं, बंगला से, उड़िया से और विदेश से नाजनी कितनी भाषा में सभी लोग ने गुरुदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान की। एंड इंग्लिश भाषा तो है ही, स्पेनिश भाषा, पुर्तगीज भाषा या तो चाइनीज भाषा में भी गुरुदेव के चरण में बेलोग ने पुष्पांजलि प्रदान की। गुरुदेव की महत्व महान, गुरुदेव की जो एक विशेष वैशिष्ट वो अतुलनीय है, किसके साथ हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे कोई एक व्यक्ति हिमालय पर्वत की नीचे बैठे और एक गांधी टोपी लगा, गांधी टोपी समझते हैं, मैं जो टोपी पहने गांधी टोपी नहीं है, ये तो गिरेगा नहीं है, गांधी टोपी होता है ऐसे जो है बिल्कुल जैसे नाव के भांति ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे कर दो वो नीचे गिर जाए। तात्पर्य क्या है, माने कोई एक गांधी टोपी सिर पर लगा करके विशाल सुच हिमालय पर्वत के नीचे बैठे और हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट सर्वोच्च शिखर जिसको कहा जाता है उसके देखने के लिए जाए, जैसे उसकी टोपी क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के जो महिमा वर्णन करना कोई संभव नहीं। यदि सप्त समुद्र के जल की यदि स्याही मान लिया जाए, हिमालय पर्वत के यदि लेखनी यानी पेन मान लिया जाए, कलम मान लिया जाए और आकाश के यदि यदि पेपर मान लिया जाए, कागज मान लिया जाए, उसमें भी गुरुदेव के महिमा कोई लिखने के लिए बैठे तथापि समाप्त होना संभव नहीं, क्योंकि गुरुदेव के महिमा कैसे वर्णन करें, छोटे मुख से क्या बोले। तथापि चाहते हैं ये गुरुदेव के महिमा और भी बताएं, जैसे छोटा पक्षी कि जो प्यास लगते हैं और ऐसे लगते हैं एक ही साथ में सप्त समुद्र के जल हम पान कर लें, क्योंकि गुरुदेव के कथा अनंत है, गुरुदेव के महिमा अनंत है और क्या वर्णन करें। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किया, पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वही ये मोर नाम, महाप्रभु सैन भविष्यवाणी किया एक दिन मेरे नाम रूप गुण लीला कथा पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार हो, प्रति घर घर में कोने कोने में समस्त व्यक्ति महाप्रभु के नाम लेकर के नृत्य गीत करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने आत्म जीवन कहानी में भविष्यवाणी भी किया, उन्होंने कहा आज से करीब 250 से 300 साल पहले उन्होंने कहा, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं अति अल्प दिन में पृथ्वी के सर्वत्र लोग समस्त धर्म के त्याग देख करके एकमात्र महाप्रभु के प्रेम धर्म में सम्मिलित होकर के नाम संकीर्तन में मत हो जाएंगे, सभी लोग क्या करेंगे महाप्रभु के नाम लेकर के कीर्तन करेंगे, हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह दिन कब आएगा वह हम लोग सोच रहे, किंतु देखो महाप्रभु के जितने भी गण परिकर आए हैं सभी महाप्रभु की इच्छा को पूर्ति किया। जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद के चरण कमल में पुष्पांजलि देते हुए वंदना करते हुए कहते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं जनो भूतले स्वयं रूप तदा मध्यं ददाति सपदांतिकम्।
आप लोग सभी श्लोक कैसे जानते हैं। ठीक उसी श्लोक की हम थोड़ा बहुत मैं और मॉडिफिकेशन करके मैं दो शब्द बताता हूँ। श्री केशव मनोभिष्टम स्थापितं जन भूतले स्वयं नारायण कदा अहम ददाति सपदां दिग्गं। जिन्होंने केशव गोस्वामी महाराज के समस्त प्रकार इच्छा को मनोभिष्ट के पूर्ति किया वह श्री गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज अब मुझे अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करें। जीवन की यही आशा है, एकमात्र आशा है। गुरुपाद पद्म ही एकमात्र कृपा करके हमें ले जा सकते हैं। कोई एक भक्त सुंदर प्रवचन दे रहे थे, कभी गुरु के पास हम जाते हैं, सदगुरु के पास क्या प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव मेरे हाथ को जो है आप कस करके पकड़ लेंगे, और पकड़ करके क्या करें, रूप गोस्वामी के पास जाने हमारे पूर्व आचार्य की चरण में समर्पित करें। मैं गुरुदेव के जो हाथ पकड़ू हो सकता मैं पकड़ नहीं सकता हूं, क्यों मेरा हाथ में इतने शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। यदि गुरुपाद पद्म मेरे हाथ में यदि पकड़े तो मेरा स्थिर विश्वास है मैं पहुंच जाऊंगा। वास्तव में सत्य है, गुरुपाद में कैसे कोरोना मारे, सर्व प्रकार के अजब होने पर ही गुरुपाद पद्म शिष्य के कैसे पालन पोषण करते हैं। आज गुरुदेव की महिमा हम क्या वर्णन करें, जिन्होंने समस्त प्रकार की अपने पूर्व आचार्य की स्थापना की। एक कथा में श्रवण स्मरण आ जाता है, एक समय श्री भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज यह देवानंद गौरी मठ में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और उस समय उनके गुरु भाई देवानंद गौरी मठ के सिंहदार निसिंह तोरण जिसको कहा जाता है और नरहरी तोरण, हाँ नरहरी तोरण उससे प्रवेश किया, शायद जो जो उन्होंने देवानंद गौरी मठ में प्रवेश किया है, शायद आप लोग देखे होंगे उनकी दोनों तरफ सुंदर फूलों की बगीचे के तरह सुसज्जित है, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प गुलाब आदि अनेक जो सुंदर जो है पुष्प खिले हुए हैं और सुगंध आ रही है, और उसके अंदर से जाते हुए अपने गुरु भाई के पास बैठे और कहने लगे, महाराज केशव महाराज आपके बगीचा में जितने पुष्प है इतने सुगंध चारी तरफ इस मठ के चारी तरफ इतने सुगंध करके क्या कर दिया, देखो ये जो गुलाब जो खिले हुए हैं जिसके सुगंध हमारे सारे मठ को जो है सुगंधित कर दिया, ये दो एक दिन के बाद इनके सारे पंखुड़ियां झड़ जाएगा, गंध भी जाएगा। किंतु गुरुदेव उस समय केशव गोस्वामी महाराज उंगली निर्देश करके उंगली निर्देश करके देखो उनके सामने जो उनके अत्यंत परम प्रिय सेवकगण बैठे हुए थे उसमें विशेष करके जाए पहले देखो ये वामन गोस्वामी महाराज उस समय के नाम का क्या सज्जन सेवक ब्रह्मचारी, अरे देखो एक नाट क्या बोले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उनके नाम था क्या राधानाथ दासाधिकारी, और उसमें को भी बैठे थे श्री गुरुदेव गौर नारायण दासाधिकारी। इनके ये तीन जो है ये देखो और भी थे ये इसी प्रकार जो है उन्होंने देखे यही जो है वास्तव रूप में ये पुष्प है गुलाब के पुष्प तो एक दो दिन में गंध जो है विनाश नष्ट हो जाएगा, किंतु देखो हमारे पास सामने जो ये समस्त जो बैठे हुए हैं उंगली निर्देश कर रहे इनके सुगंध पृथ्वी में सर्वत्र ही प्रचार होगा, ये भविष्यवाणी की वही आज वास्तव रूप में हम देख रहे हैं। श्री गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज की कैसे प्रचार बंगाल में भारतवर्ष में कितने सुंदर प्रचार नवद्वीप धाम जाने पर आपके पता लगे, और देखो श्री नाथ बावन के नारायण क्या बोले
श्री विक्रम गोस्वामी महाराज इतने सुदक्ष वक्ता एंड समस्त अनर्थ के दूर करने वाले और श्रीला गुरुदेव रसिका आचार्य रस माधुर्य के द्वारा जगत को ऐसे प्लावित किया आज भी उसके दिखाई पड़ता रहता है। जिस प्रकार कहा जाता है कोई वृक्ष के देख करके कहे वृक्ष पेड़ तुम बताओ तुम्हारे नाम क्या है उनसे फल देने वाले वृक्ष क्या कहते हैं फलेनो परिचय और ये फल देख करके पता लगता है ये आम का पेड़ है कि बबूल का पेड़ है आम का पेड़ है आम का पेड़ में कौन बैठता है कहते हैं कोयल बैठता है इतने सुंदर सुगंध अम्र मुकुल कहा जाता है इसमें इतने सुगंध आ जाता है और कोयल बैठ करके क्या करते हैं वास्तव में सत्य है ये इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहे वर्णन भी है ये अभक्त जो है वो कैसे होते हैं वो उष्ण के भांति माने ऊंट के भांति है वो बबुल के जो है कांटी को खाता है और जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं कोयल के भांति और आम के पेड़ पर बैठ करके आम के सुंदर जो सुगंध की जो है आस्वादन करते हैं और कुहकते रहते हैं। श्री गुरुपाद पद्म की विचारधारा केवल भारतवर्ष में सीमित नहीं है भारतवर्ष छोड़ करके पाश्चात्य देशों में सर्वत्र गुरुदेव की इच्छा भी गुरुदेव की आशा वह गुरुदेव जगत में प्रचार किया जिसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अविर्भाव के कारण प्रसंग में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में जो का वर्णन किया क्या वर्णन राग मार्ग भक्ति रोग त्वरित प्रचार त्वरित प्रेम रस निर्जास त्वरित सदान राग मार्ग भक्ति रोग त्वरित प्रचारण रसिक सदार कृष्ण परम करुण एई दुई हईते लीला रोदगम प्रेम रस निर्जास चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जो तीन कारण पूर्ति करने के लिए अथा राधा जी के प्रेम तीन पुस्तक का आस्वादन करने के लिए आते जिससे हमारे शास्त्र में लिखा है अनाथ एक कहते हैं श्रीराधा प्रणाम महिमा कृति सोचनी बा इस श्लोक में जो कृष्ण महाप्रभु के आने के जो कारण बताया गया मुख्य कारण जो बताया और गौण कारण में और भी तो बताया गया किंतु देखो इसे कहते हैं प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन और राग मार्ग भक्ति रोग त्वरित प्रचारण संसार के लोग भूल गए वैकुंठ तक लोगों की प्रचार है महाप्रभु के पहले जितने भी आचार्य आए हैं रमणाचार्य से लेकर के जितने भी आचार्य लोग आए हैं सब वैकुंठ कथा के जो है जगत में प्रचार किया यहां तक कि संत दास्त तक भी प्रचार किया किंतु महाप्रभु के कृपा से रूप गोस्वामी पाद जगत में जो प्रेम रस का प्रचार किया वो एक दुस्साध्य वस्तु है ब्रज की प्रेम की कथा जगत में प्रचार किया जो ढकी हुई था अप्रीत था वही कथा को श्री रूप गोस्वामी पाद अपने अत्यंत अमूल्य ग्रंथ में वर्णन कर विदग्ध माधव ललित माधव भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल इनमणि ग्रंथ आदि में ये सब वर्णन किया ये वास्तव ब्रजवासियों के प्रेम क्या है और उसी प्रेम को चैतन्य महाप्रभु छीटे फूटे जो है जगत को दिया जिससे हमारे रूप में पुनः लिखते हैं अनार्पित चरिन चिराग कर्ण अवतरण अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल संसभक्ति श्रम हरि पूर्ण सुंदर दिलीप कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिदानंद चिरकाल महाप्रभु नहीं आते ब्रह्मा के एक दिन अवतीर्ण ब्रह्मा के एक दिन यानी 1000 चतुर्युग बीतने के पश्चात द्वापर युग के अंत में कृष्ण आते और वही द्वापर युग
अंत होने पर कली की प्रारंभ में वही कृष्ण गौरांग के रूप में यानी राधा भाव कांति लेकर के प्रकटित होते हैं, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करते जा रहे हैं। यद्यपि समय संक्षेप है, मैं केवल विषय वस्तु की जो है सामान्य रूप में दिक निर्देशन करते जा रहा हूं, बता रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु जीवों की ऐसे सुंदर प्रेम प्रदान किया, और आगे जाकर के ही श्री गुरुपाद पद्म उसी के जो है और भी सुंदर रूप में महाप्रभु के प्रेम धर्म की विचार को दिखाया, जिससे मंजरी भावों की वैशिष्ट यह गुरुदेव देश विदेश में सर्वत्र प्रचार किया। आज तक किसी आचार्य ने ऐसे सर्वत्र यह प्रचार नहीं किया, हो सकता है अपने सीमित रख के बोले, किंतु गुरुदेव श्री बावन नारायण गोस्वामी महाराज सर्वत्र जो है ये मंजरी भावों की ये विचार वैशिष्ट दिखाया गया, जिससे हमारे रूप से नर्तन दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में। वह प्रेम भक्ति चंद्रिका में क्या लिखा गया, सभी शास्त्री उसमें सप्त समुद्र के जल मानो एक ग्राम ही भर दिया, प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में इतने सुंदर ग्रंथ जो है, और उसमें भी वर्णन करते जा रहे हैं वास्तव रूप में मंजरी भावों की जो विचार जिसमें भावनलास रोती आदि ये सब वर्णन हुआ है। राधे का निष्ठा एकांतिक राधा जी के प्रति निष्ठा, ठीक उसी प्रकार गुरुपाद की एकांतिक निष्ठा, गुरुदेव इसी के संदर्भ में वर्णन करते हैं। भजन की रीढ़ क्या है, गुरुनिष्ठा। गुरुनिष्ठा यदि गुरुनिष्ठा नहीं रहे, मंजरी मंजरी कहकर रसगुल्ला मंजरी जामुन मंजरी करके कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। गुरुदेव की लेक्चर में आज श्रवण कर रहा था, गुरुदेव में कह रहे थे जिसकी गुरुनिष्ठा नहीं है वो हजार कुछ भजन कर ले, 3 लाख या 5 लाख 10 लाख भी नाम कर ले किंतु नहीं होगा। गुरुनिष्ठा ही हमारे परम जो है सिस्टम, गुरु भक्ति गुरु निष्ठा, गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति जगत तर्क से ही धरे महाशक्ति वास्तविक शक्ति। गुरुपाद ने जगत में जो प्रचार किया एक कोरोना होने के नाते, यह पर शायद विदेशी बहुत कम आए हैं, देख रहे दो चार यहां पर बैठे हुए हैं, यदि ये कोरोना नहीं होते कोरोना थोड़ा अपूर्ण हो गया कोरोना क्या हो गया अपूर्ण होने के नाते कितने विदेशी लोग तड़प करते रहे। ये गुरुदेव के जो है शतवार्षिक उत्सव भारतवर्ष में हो रहे हम जाना चाहते हैं किंतु आ नहीं पाए, ये भी विधि के विधान है जैसे प्रभु की इच्छा ही है। वास्तु में कहता हूं, मेरे पास कितने ईमेल कितने स्काइप में लोग भी कहते हैं महाराज हम जाना चाहते हैं। यदि गुरुदेव के यदि ये कोरोना की नहीं होते COVID-19 के रूल्स यदि समाप्त हो जाते तो देखो यह पर जो है शायद आप लोग के दिखाई नहीं होता, आप लोग सब पीछे हटना पड़ता था सभी देखते विदेश लोग बैठ जाते। हाँ वास्तव में यह तक भी लोग क्या करें इंटरनेट में गुरुदेव के महिमा बोलते जा रहे हैं। वास्तविक सत्य है कि गुरुदेव की महिमा जो गुरुदेव जगत में दिया, क्या चीज किया हमें क्या दिया गुरुदेव जो अमूल्य वस्तु दिया जो मंजरी भाव के प्रदान की बिलाव कुसुमांजलि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन है। गुरुदेव कहते थे यदि किसी के रस्माधन करना है तो क्या करना चाहिए, पहले रूप गोस्वामी पाद के चरण में आ गए, रूप गोस्वामी विचार को आश्रय दिए, फिर रूप गोस्वामी के पाद के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने क्या की रसमाधुर के सारे इंग्रेडिएंट्स सब एकत्रित किया, और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वो समस्त इंग्रेडिएंट्स के क्या की अनुपात के अनुसार संमिश्रण करके दिखाया गया किस प्रकार
रसमाधुर्य आस्वादन करने हमारे नरोत्तम दास ठाकुर करें कबे लका नाका मोरे संगे लया जावे सिरुबेरा पाद पद में मोरे समर्पिवे है ना कि होई इवे मोर नर्म सखी गने अनुगत नरोत्तमे करिवे शासने बांग्ला कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन है जो मेरे गुरु पाद पद्म लोकनाथ दास कृष्ण जो मंजुलाली राधा की अत्यंत प्रिय सखी है मंजरी है अरे नरोत्तम दास ठाकुर दे न करके कह रहे कवे लोकनाथ मरे संग लिया जावे सिरु पे पाद पद में मोरी समझ कब मेरे गुरुदेव मेरे हाथ पकड़ करके रूप मंदिर बाट रूप गोसाई पाद के चरण में मुझे समर्पित कर गुरु के कर्तव्य क्या है हाथ पकड़ करके अपने गुरु परम गुरु परात पर गुरु चलते चलते कहां पर पहुंचा देंगे रूप मंदिर के चरण में समर्पित कर किंतु गौरी वैष्णव की देही है अहंकार गौरी वैष्णव अपने का जो है गर्व अनुभव करते हैं क्या अनुभव करते हैं मैं रूपानुगव रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में श्रीमती राधा जी की सेवा की परस्पष्टा हमारे आचार्य पाद में दिखा जिससे रूपानुगव आचार्य प्रवर रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं सिरूप मंजरी क्रांचित पाद बलम गोश्चंद्र गोश्चंद्र भुजार्जित मस्तकाया हा मदद कनक गौरी पदारविंदम सर्वहानी सनकी तव किम करिष्ये राधा जी की सेवा कौन कर रही है रूप मंजर और रूप मंजरी राधा जी के चरण कम के धीरे धीरे सेवा कर इस सेवा को देख करके रघुनाथ दास गोस्वामी क्या प्रार्थना करिए रूप मंजरी क्या आप कृपा करके मुझे ये सेवा प्रदान कर दे वास्तव रूप में ये हाँ एक सेकंड यही जो है भजन की पद्धति दिखाया गया ये हमारी भजन की पद्धति गुरुदेव ने जगत में ही प्रचार किया ये हम रूपानुगत में कैसे सेवा इसलिए गुरुपाद गुरु के चरण में मैं भी बार बार प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए और प्रार्थना तो हमारे पास कुछ नहीं शब्द नहीं कौन शब्द के द्वारा बोले हे गुरुदेव आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दीजिए आपके अनुगत्य में हम सेवा करें वंशावृत कृपा पवितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा आप लोगों ने श्री परमार जी से श्रवण किया गुरु महिमा अनंत है बताया सब धरित्री कागज करूं सब समुद्र मसीराय सुमेरु पर्वत कमल करूं गुरु गुण लिखना न जाए सचमुच गुरु जी के गुण अनंत है अब लोग जानते हैं हमारे तीर्थ माई की अनुपस्थिति के कारण मैं बंगाल प्रचार में गया था इधर आने के 3 दिन पहले एक गांव में गंगा जी के पास सब लोग नहाने के लिए अनुरोध किया गया मेरा पूर्वज जन्म का कर्म है या इस जन्म का कर्म पैर दोनों पैर पिछला गिरा चोट आई है ट्रीटमेंट करा रहा हूँ अधिक देर बैठना मेरा अलाव नहीं था फिर भी इच्छा होती है सबसे सुनूं इसलिए बैठा अब मैं कुछ बोल करके मैं नहीं जाना चाहता मैं लाचार हूँ विवश हूँ इसलिए कुछ गुरु जी पुष्पांजलि दे करके मैं वापिस जाऊंगा आविर्भूत सकारुण श्री वामन नारायण रूपानुग प्रवर दो श्री केशव प्रिय भजे तुलसी देव प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी
सत्वत्रय नमो नमः। साले साधु करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन त्रिदंडीपादगण श्री वन महाराज श्री श्रीधर महाराज श्री सिद्धांति महाराज श्री मुनि महाराज आदि समस्त सन्यासी वृंद गौरवत प्राण सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रुति शत्रुवृंद मातृमंडली को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग हमारे दो गुरुवर्ग के शतवार्षिकी उत्सव यापन करने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारे दोनों गुरुदेव कितने यूनिक थे एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। इस 2021 कैलेंडर ईयर में ये दोनों गुरु में से एक का दो बार व्यास पूजा एक जनवरी में हो चुका है श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का, फिर अगले दिसंबर में होगा। फिर इधर देखिए श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव तिथि हो चुका है जनवरी में, फिर अगले दिसंबर में होगा। एक कैलेंडर ईयर में दोनों का दो बार व्यास पूजा दो बार विरह तिथि, ऐसे उदाहरण बहुत विरल है। एक बार गुरुजी से मैं पूछा जब गुरुजी मठ में आए थे किसी को पहले बताया नहीं था, यद्यपि परम गुरु से पत्राचार होता था कब आ रहे हैं नहीं लिखा। ट्रेन से उतरे नवद्वीप स्टेशन, बहुत घना घोर अंधेरा, मन ही मन सोच रहे मैं कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, शायद रात को स्टेशन में बिताना होगा, दूसरे सुबह भी किधर जाऊँगा, किसको पूछूँ, मैं ना बांग्ला जानता ना वो लोग हिंदी जानते। इतने में क्या हुआ, कोई एक लालटेन लेके पर तिवारी जी है तिवारी जी इधर है पुकार रहे हैं, पुकार इंग्लिश में। तो गुरु जी बोला हाँ मैं ही तिवारी जी हूँ। जब सामने आए दोनों को प्रणाम किया, बताया आप कौन है, बोले मैं सज्जन सेवक ब्रह्मचारी हूँ। परम गुरुदेव जब चिट्ठी लिखवाते हमारे गुरु महाराज जी का भी बीच में नाम देते, हमारे गुरुदेव ने मुझे भेजा आपको लाने के लिए, ले आए। इधर तो गुरु जी ने पूछा कैसे, गुरु जी पूछा कैसे पता चला, श्रीमान महाप्रभु ने केशव गोस्वामी महाराज को बताया तुम्हारा एक सेवक आज रात को इस समय आएगा लाना है, देखे ले आए। फिर गुरु जी से पूछा आप बांग्ला कैसे सीखा, तो गुरुदेव ने बताया परम गुरुदेव शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, केशव गोस्वामी महाराज जी ने सज्जन सेवक ब्रह्मचारी यानी हमारे गुरु महाराज को कहा ये देखो पुलिस नौकरी छोड़ के आया है, भावुक होके आया है, एक कब चला ना जाए ध्यान रखना, अच्छी तरह से देखभाल करना। हमारे गुरु महाराज जी उनको सब तरह से देखभाल करते और बांग्ला सिखाते। इसलिए गुरुदेव कहते थे कभी एक बार एग्जीक्यूटिव बॉडी के मीटिंग में बोला आप मेरे शिक्षा ये सब माँ जैसे परिवारिश किया, बोले ऐसे क्यों बोलते हैं सबके सामने, बोले क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए परम चीज सोचते थे भाग न जाए, इसलिए हमारे गुरु सब समय उनको देखभाल करते थे बांग्ला सिखाया। जब गुरुदेव इस जगत से जाने लगे उस दिन था क्या श्री वामन गोस्वामी महाराज का व्यास पूजा तिथि, देखिए ले आए साथ में चलो, और विनोद मंजरी बुला रही हैं जाओ रवन मंजरी को ले आओ, आप जुगल की सेवा में लगना है, देखिए आके ले गए उस दिन व्यास पूजा। जब गुरुदेव प्रचार कर रहे थे पहली बार कितना धुमाधर प्रचार, गुरुदेव बेजार एक स्थान है अमेरिका कैलिफोर्निया स्टेट के,
जब गुरु जी कलेवा दिया तो मैं बात याद आई। एक बार हमारे गुरु महाराज जी अस्वस्थ होके चले गए। सीधाबाड़ी एक स्थान है, ये बंगाल और बिहार के बडार में। हमारे परम गुरुदेव अपने प्रिय सेवक अनंग मोहन ब्रह्मचारी के लिए बनाया था, वो कुछ शास्त्र कर लिया है। हमारे गुरु वही चले गए, बता दिया कि इस साल आने वाले गौर पूर्णिमा में नहीं आऊंगा। जब श्री गुरुदेव नवद्वीप धाम पहुंचे, जब सुना तब नवजगेंद्र ब्रह्मचारी जो इस समय आचार्य महाराज बोला, नवजगेंद्र लो टिकट काटो, छह टिकट बना, जाते समय चार आते समय छह टिकट बनाओ। उस समय गुरुदेव के साथ मैं नवीन ब्रह्मचारी और कमलावती ब्रह्मचारी, नवजगेंद्र ब्रह्मचारी चार, आते समय हमारे चार और हमारे गुरु महाराज के सेवक। केवल नवद्वीप परिक्रमा गुरुदेव को दर्शन किया था मैं गुरु महाराज जी को, और उस साल में गुरु महाराज जी मथुरा नहीं आए। जब पहुंचा बेडिंग रखा सुझा, गुरु महाराज जी पूछा कहां पर, बताया उधर जाके प्रणाम किया। देख के मुझे मुस्कुराने लगे, समझ गए कि नवीन श्री नारायण महाराज के सिवा एक पद कहीं नहीं जाता, जरूर नारायण महाराज जी आए हैं। और गुरुदेव कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठे हैं, बता नवीन मेरे बेडिंग बांध ले, देख पुलिस ऑफिसर आया है, अगर सरेंडर नहीं कर दूं तो हाथ में पैर में बांध कर सख्त सख्त से ले जाएगा, ये तो बहुत बदनाम होगा, सरेंडर कर देना ये अच्छा है। फिर कब आया सब पूछा बताया। अब मैं बाहर आया तो गुरुदेव अंदर गए, बोले शिष्य से क्या गुफ्तगु हो रहा था। गुरुदेव बाहर बैठ सुन रहे थे, बोले यही बताया पुलिस ऑफिसर आया अरेस्ट करके ले जाएगा, सरेंडर कर देना अच्छा है। आए हम लोग, आके जब हम लोग हावड़ा स्टेशन पर पहुंचे, मैं गुरुदेव को बाजार में बता रहा हूँ ये बात, याद दिला रहा था गुरु जी को, तब बताया कि जब हम पहुंचे हावड़ा स्टेशन में अंदर टैक्सी पार्किंग अलाउ नहीं है, बाहर पैसा देके लाना पड़ता। कमलापति प्रभु नवजगेंद्र प्रभु लाने टैक्सी लाने के लिए गए, जो रामचंद्र सिंघानिया के बाद बता रहे थे ना, वो इसका एवं गौड़ी मैंने बहुत सेवा किया, उनकी एक बेटी दूर से गुरु जी को देख लिया, बोले पापा जी नारायण महाराज खड़े हैं। बोले कहा वो देखो, उनके सब फैमिली वाले कहीं टूर में पूरी गए थे, उन लोग ट्रेन भी पहुंचा तो सिंघानिया आए, बोला आप लोग कैसे, तो बताया बोला हमारे कार से चलिए, उन्हें कार से ले जा करके मुझे ड्रॉप कर दिया उनके अपने घर में, बोला आप रसोई बना के गुरुदेव का ले आएंगे। और उनके गेस्ट हाउस था बालीगंज सर्कुलर रोड, लोग उधर दोनों गुरुदेव को छोड़ देंगे, आप रसोई बना के ले जाइएगा, बोले मैं ऑफिस पहुंच करके गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है, जब मैं आता था ब्रज से, हमारे गुरु का निर्देश था उनके लिए चाना पेठा पेड़ा और खुरचन, ये चार चीजें और गांठिया सब ले आता था, बैग में भरा हुआ था। ऐसे क्यों, क्या हो गया, मैं पूछा लाला क्या हो गया, दोनों इतने उछल कूद रहे दोनों लाला एक साथ, हो क्या गया। तो गुरु भाई बोले जा तेरा बैग खाली है, खाली अर्थात तेरे बैग खाली कर दिया, गुरुदेव का तेरे बैग खाली कर दिया, खाली कर दिया। बोले जा, देखा किया एक थाली में दोनों भाई एक साथ प्रसाद पाए, कटोरी ले लिया, खा के हाथ धो के थाली में दोनों हाथ धो लिया। तो मैं बताया बोल तू अभी नहीं आता, दो घंटा बाद में भी आता, भूख नहीं लगती, भर पेट खा लिया, कोई है ही नहीं देने वाले, दोनों भाई मिल के लिया भर पेट खा लिया। बहुत अच्छे बोले बैग तो हमारे लिए नहीं, बैग तो आप लोगों के, आप लोगों के लिए। तो गुरु महाराज ने हाँ हाँ नवीन तो छेले पूछा मानूस, वो तो हम उनके बच्चे हैं, वो बच्चे को पालन पोषण करता है, पर तुम्हारा बैग, दोनों बोल हाथ उठा के, तुम्हारा बैग कभी किसी दिन किसी जन्म में खाली नहीं होगा, सब समय भरा रहेगा, ऐसे बोला दोनों गुरुदेव ने एक साथ। आप फिर दोनों बात कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बोलने लगे, मैं महाराज जी मैं जगत से पहले आपसे चला जाऊंगा। गुरुदेव बोले नहीं मैं पहले जाऊंगा, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई भरोसा नहीं है। गुरु महाराज बोल रहे नहीं मैं जाऊंगा, आपको बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो गुरुदेव कहा मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, कब हार्ट फेल हो जाए पता नहीं, मैं क्या सेवा करूंगा। बोले नहीं आप भविष्य में समझेंगे,
आपके लिए गुरुदेव ने यानी केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा सेवा की व्यवस्था कर रखी है। गुरुदेव ने बताया जहाँ आप है सती विक्रम महाराज जी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे कार्डियक पेशेंट हूँ। बोला आप अभी समझेंगे, बताइए क्या से, बोला अभी बताऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे। जब पहली बार 96 में बाजार में तब गुरुदेव को बोला, जब विशाल बहुत प्रचार हो रहा है, गुरुदेव याद है गुरु भाई बताया था ऐसी सेवा के लिए, तब गुरु जी रोने लग गए, खाया नहीं छोड़ दिया, नया कागज कलम लिखाया चिट्ठी, फिर बोले आप समझ रहा हो क्या, देखिए भेज दिया चिट्ठी, बोले आप समझ रहे हो क्या प्रोग्राम है, क्या प्रचार क्या सेवा के लिए, केशव गोस्वामी महाराज ठीक करके रखा था। श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जगत में कृष्ण कॉन्शियसनेस का आंदोलन ला दिया, प्रबल ला दिया, उनके जाने के उपरांत ये सब सीमित होने लगा। फिर गुरुदेव जाकर के क्या किया, बोला मैं जंगल नहीं काटूंगा, हमारे गुरुवार का जंगल काट करके हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, अब मैं लगाऊंगा भक्ति का ही, रूपानुगा भक्ति का ही प्रचार करूंगा। जहां भी गए किसी भी देश में जाइए, छोटे बच्चे को पूछिए जो गुरु जी के कॉन्टेक्ट में आए, आपका गोल क्या है, राधा दास स्वयं बोलेंगे, देखिए गुरु जी कितनी महिमा है, सब छोटे बच्चे के हृदय में भी प्रवेश करा दिया। अब एक घटना बोल के मैं समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव उसके बाद न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क के पास न्यूजर्सी है, उसमें गुरु जी थे, मैं रसोई बना रहा था, छह व्यक्ति आए, कॉलिंग बेल दबाया, प्लीज नारायण मार इज देयर, यस सर प्लीज कम इन, बैठने दिया। फिर मैं रसोई बना गैस बंद करके गुरु जी के पास गया, गुरुदेव छह व्यक्ति आए हैं आपसे मिलना चाहते, आपके कमरे में ले आऊं ना बाहर आ पाएंगे, बोले नहीं मैं बाहर आऊंगा, उनको ही बैठाओ, बैठा जाए। गुरु जी आए तो आते ही लोग प्रश्न कर रहे हैं, व्हाई यू केम अमेरिका, आप अमेरिका किस लिए आए हैं। गुरुदेव कहा मैं प्रचार करने के लिए आया हूं। बोलो कितने मजा से कह रहे हैं, उस समय इंडिया का पहचान था पूरा विश्व में, ये भूत प्रेतों का देश है और ब्लैक मैजिक का देश है, इससे अधिक नहीं था। आज इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण पूरा दुनिया, पूरी दुनिया भारत की लोहा मानता है, तो बता प्रचार क्या देंगे, प्रचार कर कुछ देना होता क्या देंगे आप तो गरीब भारत से आया है आए हैं। विद्वान नहीं, मैं गरीब भारत से नहीं आया, मैं प्रॉस्परस इंडिया से आया हूं। बोले इंडिया दो है विद्वान, हाँ दो इंडिया है, हो सकता है मेरे देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आपके सामने झोली फैला कुछ भीख मांग सकते हैं, मैं जन्म से दोनों हाथ भर के देना सीखा, हाथ पाथ के भीख मांगना नहीं सीखा, हम देने के लिए आया हूं। बोले क्या देंगे, तो गुरुदेव बता देखिए एक छोटा सा तालाब हो उसमें पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया जाए क्या होगा, बोला कुछ रिपील होगा फिर बंद हो जाए, नहीं कुछ रिपील नहीं, बड़े से छोटे 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 भले ही इस आंख से देख नहीं सके, मेंसिन से देखिए दिखाई पड़ेगा, जब तक समस्त तालाब के ओर छोर स्पर्श नहीं करता है तब तक शांत नहीं होगा। बोले इसमें आपका प्रचार का संबंध क्या है, सफर कीजिए बताता हूं। बोले ऐसे हम लोग जो हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं ये वॉल में एक वेव सृष्टि करेगा वातावरण में, और प्रत्येक पृथ्वी के ओर छोर को स्पर्श करके शांत होगा। इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दुनिया का साउंड प्रॉब्लम, ये साउंड प्रॉब्लम क्या होगा, धीरे धीरे सीमित होगा। एक ने पूछा क्या आप साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला नहीं। दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं मैं आप साइंटिस्ट ये मान ही नहीं सकता हूं। तीसरे बोला झूठ क्यों बोल रहे हैं। गुरुदेव बोला देयर इज नो लाई वर्ड इन माई डिक्शनरी, मेरे अभिधान में कोई झूठे शब्द नहीं है। चौथा बोले कोई साइंटिस्ट फेयर में उठा दे ही नहीं सकता है। पंचम बोला आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे, बोला गुरु कृपा से जो भजन किया अनुभव का ही बता रहा हूं। छठवां बोला सच मानने से हर्जा के, मैं गुरुदेव बोला मैं बताना झूठ वर्ड मेरा लिखा नहीं है। तब बताया कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, कैसे, बोला हम लोग सब ये साउंड इंजीनियर ये पर साउंड पर काम कर रहे हैं, हम लोग पूरा दुनिया में घुमा, जितने प्रकार के शब्द हो सकता है, ह्यूमन साउंड हो, एनिमल हो, बर्ड हो, मशीनरी हो, जो साउंड को हम लोग रिकॉर्ड किया,
आकर के न्यूयॉर्क में हमारे लैब में हम लोग बजाया, देखा ये हरिनाम हरि संकीर्तन क्या करता है, साउंड पॉल्यूशन धीरे 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 घटाता है और जितने साउंड सब बढ़ाता है, इसलिए आप पूरा विश्व में बहुत विपुल रूप में प्रचार करेंगे, आपका पृथ्वी कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकते हैं। बोले गुरुदेव की जय। देखिए ऐसे कर उन्होंने प्रचार किया तो बोला एक प्रश्न पूछो, बोले बताइए, तो बताया पहले मौन शुद्ध होगा कि पहले भजन होगा, तो गुरुदेव आप लोगों की धारणा क्या है, बोले परिचय दे दिया पहले, बोले वो पहले शमी महाराज शिष्य थे, फिर भक्ति रक्षक सुधर गोस्वामी संन्यास लिया, फिर सुधर गोस्वामी जाने के बाद छोड़ के फिर अपने साइन भी आ गए, बोले ये सब मेरा कलिक है। तो गुरुदेव आप लोगों की धारणा क्या है, पता है पहले मन शुद्ध होगा उसके बाद भजन होगा, बोले कंप्लीटली रॉन्ग। बोले कैसे, तो गुरुदेव बोला नवीन मेरे घर से घड़ा लिया, बोले दो बड़े बड़े मेटल पिचार था लिया। तो गुरुदेव ने पूछा आप लोग तो सब साइंटिस्ट है, ये बताइए इसके साल साल तरीका हवा निकालने का क्या है, एक दूसरे का मुख झांक रहे हैं, बोले वैक्यूम क्लीनर से, वैक्यूम से टाइट करके वैक्यूम निकालेंगे, बोले कंप्लीटली रॉन्ग। अब गुरुदेव जोर जोर से उन लोगों को दबा रहे हैं, बोले क्यों, तो जब भी आप लोग मशीन से हवा को निकालेंगे साइड प्रेशर आकर इसको तोड़ देगा, बोले हाँ 100% ठीक है। तो गुरुदेव बताए मैं सहज सरल उपाय बताऊं, बोले बताइए। तो नवीन जा किचन से दो ग्लास ले, एक जैसे पानी ला एक खाली लिया, ठीक है मैं ला के दिया। तो गुरुदेव बताया देखिए एक ग्लास खाली है एक ग्लास पानी है, देखिए अब गुरु ये पानी डाल रहे हैं, गुरुदेव बोला देखो मैं जितनी प्रपोर्शन में पानी डाल रहा हूँ उतनी प्रपोर्शन में हवा अपने आप निकलता जाएगा, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही जितनी परिमाण में आप भजन करते जाएंगे उतने परिमाण में ही हमारे जो अनर्थ दूर होता जाएगा, इसके सवाल कोई उपाय नहीं है। फिर वो लोग गुरु जी के चरण स्पर्श किया, गुरु नवीन जा पीड़ा लिया, गुरु जी जाते पीड़ा ले जाकर बच्चों के लिए कौन बोलता है टॉफी पिया है, टॉफी ले जाता इधर से, फ्रूट कैंडी ले जाता हरत से, बहुत ले जाता था, एक एक पेड़ा दिया। गुरु जी देखो ये मथुरा का सबसे प्रसिद्ध स्वीट है, आप तुम्हारे गुरुदेव के लिए मैं 10 किलो 15 किलो के साथ भेजता था, दिया एक एक 6 दे दिया 600। फिर गुरु जी देख रहे कुछ बोल नहीं पा रहे, गुरु जी लगता है और एक बोलो और एक देंगे तो अच्छा होगा, गुरु जी दो दो करके दे दे, फिर दो दो करके दे दिया, बहुत पसंद है। देखिए कोई लोग जितने लोग विदेश प्रचार गए श्री स्वामी महाराज के बाद गुरु जी ने पीपुल प्रचार किया, सब कंबाइंड रूम में इतना नहीं कर सकते। आज उन दोनों गुरुदेव के शतवार्षिकी महोत्सव में उनके चरण पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं, सब लोग बहुत सुंदर बोल रहे हैं, मैं यद्यपि अलाउ नहीं इतने देर बैठने लेकिन इच्छा से सुनते रहूं, सब इतने सुंदर बोल रहे हैं। गुरु जी बोलते तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है, तू बेटा है, तू सेला है, शिष्य है, गुरु है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं लाला लाला कह के पुकारता था, आज देख रहा हूं मैं केवल अपने लाला को ही नहीं खोया, उस समय तो मैं गुरु जी की कथा में दिन रात एक मिनट भी चैन नहीं सेवा करता था, मैं लाला के रूप में सेवा करता था, आज देख रहा हूं कि अभी वो लाला को ही नहीं खोया, ऐसे महिमामान गुरु को भी खोया। हरे कृष्ण वंचा कल्पतरु भस्म कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब लोगों से प्रार्थना है आप सब लोग मुझे कृपा करें मैं जल्दी ठीक होकर के सेवा में लग सकूं, और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं ये सभा चलता रहेगा, ये लोग सभा परिचालन करेंगे, यदि इच्छा न रहने पर भी मैं जा रहा हूँ शरीर से मन ही पर रहेगा। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल संके बोल दो हरि बोल हरे कृष्ण। अभी कथा सुनते सुनते लोग थोड़ा बोर हो गए, अभी मुनि महाराज जी 5 मिनट कीर्तन करेंगे, कीर्तन पहले अभी कीर्तन के बाद में फिर ये कथा होगी, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वैष्णव लोग गुरु जी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, अभी मुनि महाराज एक भजन गाएंगे। माइक माइक माइक
क्या करें बाद में पैसे बाद में देना हाँ तो दो लोग ना अच्छा ठीक है अरे लो आपने ये दिया मैं भाई अरे ले लो अरे हमसे भी फिर मैं लूँगा नहीं अरे वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अली मोहे लागे वृंदावननी को 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 लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सजनि मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी को हरि घन तुलसी ठाकुर पूजा ठाकुर पूजा घर घर तुलसी 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 ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को अली मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे जमुना को निर्मल नीर बहत जमुना को निर्मल नीर बहत जमुना को भोजन दूध कहीं को भोजन दूध कहीं को अली मोहे लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को लागे वृंदावननी को सजनि मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी को अली मोहे लागे वृंदावननी
रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, जय राधे। सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, अलि मोहि लागे वृंदावन को, अलि मोहि लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, जय मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, जय राधे, जय राधे। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, सज सुनत मुरली को, सज सुनत मुरली को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, लागे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सजनी मोहे लागे वृंदावन को, हर मोहे लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर 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 गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नरसी को,
भजन बिना नहीं को, भजन बिना नहीं को, भजन बिना नहीं को, अली मोहल्ला से जुगा बनी को, अली मोहल्ला से लगे वृंदावन को, लगे वृंदावन को, लगे वृंदावन को, सजनी मोहल्ला से जुगा को, अली मोहल्ला से वृंदावन को, और राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय राधे, राधे 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 जय जय राधे, राधे 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 बैठ जाओ। अभी भी बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, गुरु जी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करेंगे और सभी के लिए प्रसाद का भी व्यवस्था है, इसलिए आप लोग सभी लोग शांत होकर बैठ जाए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हमारी बीच में श्री भक्तिवेदांत श्री सिद्धांत महाराज उपस्थित हैं। उनकी तबीयत अभी बहुत ठीक नहीं है, वो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये महाराज कृपा करके दर्शन दिए हैं। वो भी गुरु जी के चरण में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। श्री भक्तिवेदांत सिद्धांत महाराज, ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुमलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादी गौर भक्तवृंद। एक बार मेरे साथ भी बोल दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम कृपा पद्म नित्य लीला प्रवेश नौ विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुद्वय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों में मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि सपार्श्व राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित तिरंडी पादगण वैष्णव एवं वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, गुरुदेव की महिमा का गान हो रहा है, उसे श्री राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में हम लोग गुरु जी की जन्म शताब्दी पर्व मनाएंगे। और एक बड़ा शुभ समाचार है इसके साथ साथ ही कि इसी समय की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस प्रकार जनकपुरी में श्री गुरुदेव के द्वारा स्थापित IGVT जो ट्रस्ट है और श्री रमन बिहारी गौड़ी मठ का वहाँ निर्माण हुआ, उसी प्रकार IGVT के अंतर्गत ही फरीदाबाद में हमको सरकार से हरियाणा गवर्नमेंट से एक मंदिर के लिए एक लैंड प्राप्त हुआ है। श्री गुरुदेव के द्वारा ही अप्रैल 2008 में श्री राधा माधव गौड़ीय मठ का सेंक्शन हुआ था, जिसमें हमारे गोकुलपति प्रभु जी का विशेष योगदान रहा, उन्होंने ही आरंभ किया था। और पूज्यपाद वन महाराज जी के द्वारा ही वहाँ पर यज्ञ इत्यादि हुआ था, तो तब से ही ये क्रम चल रहा है। बहुत वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे थे और गवर्नमेंट से वो लैंड लेना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, द्वार द्वार पर जाकर परिश्रम करके ये संभव हो पाया। तो जन्म शताब्दी का ही प्रतीक्षा हो रही थी, गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी। सभी दिल्लीवासी नोएडावासी गुड़गांव से और अलग प्रांतों से जो भक्त लोग आए, आपको मैं पहले से निमंत्रण देता हूँ। पूज्यपाद माधव महाराज जी आएंगे, सुबह 7 बजे यज्ञ होगा, नींव स्थापन वो जो भूमि पूजन होता है वो होगा, उसके बाद फिर गुरुदेव की महिमा का गान होगा और एकादशी उस दिन तो व्रत है, जो व्रत वाला प्रसाद उसका भंडारा होगा। तो श्री राधा माधव गौड़ीय मठ के समस्त भक्त वृंद की ओर से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद मुनि महाराज जी और श्री रामचंद्र प्रभु जी यदि उपस्थित होंगे, शांत महाराज जी, राधानाथ प्रभु, सब लोग आएंगे। और जब ये लोग आएंगे तो फिर आप भी तो आ सकते हैं।
अच्छा अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो मैंने सूचना दे दी, कौन कौन नहीं आएगा हाथ खड़े करना। अच्छा किसने आखा है, इसका मतलब सब आएंगे, मैं उसी हिसाब से प्रसाद बनाऊंगा। तो हमारे विजय प्रभु, संजय प्रभु सभी लोग वहाँ पर होंगे, उसी श्रृंखला में गुरुदेव की और गुनावलियों को श्रवण करेंगे और ऐसा सुंदर पर्व और उत्सव कहाँ मिलेगा कि उसी दिन ही वहाँ पर नींव स्थापन होगा। ये गुरु जी की एक महिमा। अब जिस विषय पर हम लोग आज यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं, पूर्व वक्ताओं के मुख से गुरुदेव की गुनावलियों को श्रवण किया, उसी श्रृंखला में बस एक दो बातें ही कहूँगा। गुरु जी के विचार बहुत गंभीर, जिस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो भाषावली कहे वो एक अपूर्व थी, जिसको सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मौन शब्द का अर्थ क्या है, चुप रहना मौन नहीं बल्कि 24 घंटा में 24 घंटा श्री कृष्ण कीर्तन करना ही वास्तविक मौन है। वैराग्य की परिभाषा क्या है, ऐसे प्रभुपाद जी ने वास्तविक जो परिभाषा उसका वर्णन किया। हमारे श्रील गुरुदेव जी जिनकी हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उनकी भी भाषावली इस प्रकार से बड़ी निराली थी, बड़े गहरे विचार गुरुदेव, जिस प्रकार सबके साथ गुरुदेव का एक व्यक्तिगत संबंध भी रहा और गुरुदेव हास परिहास भी करते थे, परंतु विचार में बड़े गहरे, समुद्र की भांति गहरा। एक बार गुरुदेव ने मथुरा मठ में कथा कही, हमने फरीदाबाद में भी इसकी बात कही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने छोटा हरिदास ठाकुर जी को त्याग दिया, उनसे कुछ हुआ जिस कारण से गुरुदेव महाप्रभु जी ने उनको त्याग दिया। ये जब कथा समाप्त हुई तो गुरुदेव जब अपने कक्ष में आए तो हम लोग कुछ ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव की सेवा करते थे, तो मैंने प्रश्न किया गुरु जी को, मैंने कहा बोला गुरु जी अगर यदि 5 मिनट आप मेरे को समय दें एक प्रश्न कर सकता हूँ। गुरु जी ने बोला बोलो। मैंने कहा गुरुदेव आपने महाप्रभु जी के इस शासन की बात को कहा, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपकी करुणा और कृपा को देखता हूँ वो तो महाप्रभु जी की तरह नहीं है। आपके पास कितने सारी शिकायत आती है, किसने गलत किया, किसने ऐसा किया, किसने वैसा किया, परंतु आप थोड़ी देर शासन करके उसको क्षमा कर देते हो। महाप्रभु जी ने तो ऐसा नहीं किया। तो गुरु जी एकदम देखकर कहने लगे तो फिर पूरी कथा नहीं सुनी क्या, महाप्रभु जी ने ऐसा कहा लेकिन नित्यम प्रभु ने, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य अन्य जो भक्त हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की उनको क्षमा करने के लिए। महाप्रभु जी उस समय एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, परंतु जो आश्रय विग्रह जो तत्व है वे समय सब समय एक करुणा का ही भाव रखता है। महाप्रभु जी ने भारी रूप से तो भले ही त्यागा परंतु फिर उनके भजनों को कीर्तन को श्रवण करते, लेकिन श्री नित्यम प्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि भक्तों ने महाप्रभु जी से बहुत याचना प्रार्थना की। गुरु जी बोले वही भाव हमारा है, कोई व्यक्ति संसार दशा को छोड़कर जैसे तैसे भक्ति पथ पर आता है और उससे कुछ त्रुटि होती है तो भक्त का स्वभाव क्या, क्षमाशील। गुरु जी ने एक बात और कही, यदि किसी ने अपराध किया और आपके निकट आकर प्रार्थना की
क्षमा मांगी और आपने यदि क्षमा नहीं किया तो फिर आप भी भगवान के निकट जाकर अपनी भूल का, अपने अपराध की क्षमा के योग्य पात्र नहीं हो, क्योंकि भगवान ये विचार करते हैं कि यदि तुम ही क्षमा नहीं कर पा रहे तो मेरे पास किस योग्यता से आ रहे हो। क्षमा गुण ये भक्त स्वभाव है। और एक बात सुनो, गुरु जी बोल रहे थे, और एक बात सुनो, यदि अपने से कोई अत्याचार हो तो सब समय महाप्रभु जी के छोटा हरिदास के प्रति जो शासन है उसको स्मरण रखना। लेकिन यदि किसी और अन्य व्यक्ति में ऐसा कोई दोष देखोगे तो उसमें ये वाली बात मत डालना। यदि अन्य व्यक्ति में ये दोष देखोगे तो श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा, अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, उनके प्रति ये दृष्टि रखना, अपना संशोधन करना। लेकिन किसी और के प्रति कहने का, शासन करने का तुम्हारा अधिकार नहीं। अपने लिए महाप्रभु का शासन, छोटा हरिदास के प्रति। अन्य व्यक्ति में देखा जाएगा तो अपिचे सुदुराचार। गुरु जी ने 10 मिनट में बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को कह दिया जो हमारे साधन काल में कितना उपयोगी है। पर निंदा करके हम अपराध कर रहे हैं, जबकि अपना संशोधन करना परम आवश्यक है। हम अथॉरिटी नहीं है। और गुरुजी बोल रहे हैं क्षमा गुण, क्षमाशील। यदि तुमने क्षमा नहीं किया तो फिर अपने अपराध के लिए भी भगवान से या गुरु से क्षमा के लिए मत आना, क्योंकि भगवान देखते हैं। इसलिए यदि अपराध हो क्षमा मांग लो। वैष्णव कृपालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। एक ये बात। दूसरी ओर गुरुजी एक दिन बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे थे, कुछ लेखन कार्य कर रहे। गुरुजी के मैं कक्ष में ही था। गुरुजी कहने लगे, हम लोगों ने, गुरुजी अपनी बात कह रहे थे, अपने गुरु महाराज का आदेश शिरोधारे करके सारे विश्व में प्रचार किया, उनको परंपरा में प्रतिष्ठित किया, यही हमारी गुरु चरणों में दक्षिणा है। तुम लोग भी यदि हमारे विचारों को धारण करके हमको उस परंपरा में प्रतिष्ठित कर पाओगे, यही तुम्हारी वास्तव में गुरु दक्षिणा होगी। और गुरु दक्षिणा कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं, ये रुपया देना, पुष्पांजलि देना ये ठीक है, परंतु वास्तव गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु जी उस वस्तु को वहां पर, उस विषय को वहां पर बड़ी गंभीरता से कर रहे हैं। तुम लोग कितना कर पाओगे कितना नहीं कर पाओगे मैं नहीं जानता, परंतु वास्तव में यही गुरु दक्षिणा है। उपाधियों के संबंध में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कितने भी नाम के आगे कितने भी नंबर लिख लो, 108, 1008, 10008, 108, श्री 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 श्री, जितने मर्जी श्री लगा लो, ये सारी उपाधियों का इतना महत्व नहीं। ये सारी उपाधियां हटाकर सर्व उपाधि निर्मुक्तम, बस एक ही उपाधि यथेष्ट है। यदि ये लिख दिया जाए नित्य लीला प्रवेश, नित्य लीला में प्रवेश हो गए, इससे बढ़कर और कोई उपाधि नहीं है। उसके आगे 108, 1008 ये सब कुछ फीका है, लेकिन अपने आप में नित्य लीला प्रवेश जो शब्द है, इससे उच्च, इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु हो नहीं सकती। नित्य लीला में प्रवेश हुए,